हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास में हमने देखा था बेसिकली विस्कोसिटी के बारे में। अभी विस्कोसिटी आपका खत्म नहीं हुआ है। विस्कोसिटी के बारे में जनरली म्यू से डिनोट करते हैं। इसके बारे में सबसे पहले मैंने एक छोटा सा ग्लिम्स ले लेते हैं कि कल हमने प्रीवियस क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने देखा था कि इट इज इंटरनल प्रॉपर्टी। सबसे पहले चीज, इट इज इंटरनल प्रॉपर्टी ठीक है, ऑफ द फ्लूड which offers internal resistance between the fluid layers when the fluid layers are in, ये ध्यान रखिएगा, fluid layers are in relative motion। मैंने कहा था इस property के कारण fluid में भी frictional effect, resistance effect का मतलब क्या, frictional effect create होता है। सीधी सी बात है, clearly friction और viscosity को मैंने interlink किया था, ठीक है। फ्रिक्शनल इफेक्ट क्रिएट होता है, और फ्रिक्शनल इफेक्ट क्रिएट होगा कब, और फ्रिक्शनल इफेक्ट ऑलवेज अपोजेस द रिलेटिव मोशन, ठीक है ना। और मैंने ये भी बताया था कि एक ऐसा प्रॉपर्टी है, इंटरनल प्रॉपर्टी है तो सही, बट इट कैन ओनली बी रियलाइज्ड व्हेन फ्लूड लेयर्स आर इन रिलेटिव मोशन। ये सारा कुछ ऑलरेडी बता चुका हूं मैं, ठीक है ना। ये इंटरनल प्रॉपर्टी है, फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द रिलेटिव मोशन, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। रिलीज व्हेन फ्लूइड लेयर्स आर इन रिलेटिव मोशन। उसके बाद मैंने क्या बताया था, बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी अब विस्कस इफेक्ट क्रिएट हो रहा है, फ्रिक्शनल इफेक्ट क्रिएट हो रहा है, तो स्लोअर लेयर ट्राइज टू स्लो डाउन द फास्टर लेयर। या क्या करेगा, फास्टर लेयर क्या चाहेगा, स्लोअर लेयर को अपने साथ फास्ट, उसके स्लोअर लेयर को फास्ट करने की कोशिश करेगा। तो मैंने लिखवाया था बिकॉज ऑफ इट द स्लोअर लेयर ट्राइज टू स्लो डाउन द फास्टर लेयर, और इट्स वॉइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है। इट्स वॉइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। और एक चीज और मैंने लिखवाया था कि इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द पैरामीटर टू मेजर द रेसिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन। रेसिस्टेंट टू डिफॉर्मेशन का मतलब रेसिस्टेंट टू फ्लो एज वेल, यू कैन से रेसिस्टेंट टू फ्लो, ठीक है ना, रेसिस्टेंट टू फ्लो। सारी चीजें हमने देखी थी। उसके बाद एक एग्जाम्पल, इसके बाद एक फेनोमेना पढ़ा था नो स्लिप कंडीशन। क्या कहा था मैंने, ये फेनोमेना भी आपका किस कारण से होता है, ऑब्वियस इस प्रॉपर्टी के कारण, ठीक है ना, इस प्रॉपर्टी के कारण। द प्रॉपर्टी विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर नो स्लिप कंडीशन इज विस्कोसिटी। जितने भी कॉमन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, यही देखा जाता है कि द जस्ट एडजेसेंट लेयर कम्स इन कंप्लीट स्टॉप रिलेटेड टू सॉलिड सर्फेस, और यू कैन से द जस्ट एडजेसेंट लेयर कंप्लीटली स्टिक टू द सॉलिड सर्फेस बिकॉज ऑफ हाई स्किन फ्रिक्शन बिटवीन द सर्फेस एंड, और यू कैन से बिकॉज ऑफ हाई फ्रिक्शन बिटवीन द सर्फेसेस एंड द फ्लूड, एडजेसेंट फ्लूड, जिसके कारण उसके मोशन को क्या करता है, मोशन को रोकता है, उसके मोशन को कंप्लीटली अपोज करता है, जिसके कारण वो क्या होता है, कंप्लीटली स्टिक टू द सॉलिड सरफेस। दिस वन इज कॉल्ड एज द व्हाट नो स्लिप कंडीशन। ये मैंने बताया था, और ये भी बता दिया था, एक एग्जाम्पल दिया था, ये पूरा का पूरा क्या होगा, नो स्लिप कंडीशन में होगा, पूरा का पूरा लेयर नो स्लिप कंडीशन में होगा, नो स्लिप कंडीशन में होगा, दिस वन इज कॉल्ड एज द, ठीक है ना। और इस नो स्लिप कंडीशन के कॉन्सिक्वेंसेज में मैंने बताया था, पहला दैट वन इज वेलोसिटी बाउंड्री लेयर, द फर्स्ट वन इज बिकॉज ऑफ दैट नो स्लिप कंडीशन देयर विल बी द ग्रोथ ऑफ द वेलोसिटी बाउंड्री लेयर। द सेकेंड वन वेलोसिटी बाउंड्री लेयर के बाद क्या होगा आपका, दैट वन इज देयर विल बी विस्कस सियरिंग इफेक्ट। मैंने बताया था विस्कस सियरिंग इफेक्ट का मतलब सिंपल विस्कस इफेक्ट समझिए, बताऊंगा विस्कस सियरिंग क्या कहलाता है, डोंट वरी। विस्कस सियरिंग इफेक्ट इज क्वाइट लार्ज विद इन दैट वेलोसिटी बाउंड्री लेयर। और मैंने बताया था अब विस्कस इफेक्ट आएगा, फ्रिक्शनल इफेक्ट आएगा, तो एक फ्रिक्शनल ड्रैग फोर्स ऑन द सॉलिड सर्फेस अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। ये सारी चीजें ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं मैं, ठीक है, ये सारी चीजें ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूं मैं, ठीक है, ये स्टडी प्रीवियस क्लास में। नाउ व्हाट इज एग्जैक्टली, क्या है आपका
थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद मैंने बताया था एक एग्जांपल लिया था, एक एग्जांपल लिया था कि आपका क्या है, इसके अंदर फ्लूड है, इसके अंदर फ्लूड है, ये फ्लूड इनिशियली स्टैटिक कंडीशन में है, दैट फ्लूड इज कंप्लीटली इन स्टैटिक कंडीशन इनिशियली। ठीक है, इस फ्लूड में मोशन कब होगा, जब इस प्लेट में रिलेटिव मोशन होगा, इस प्लेट में रिलेटिव मोशन होगा। इस प्लेट को मैंने क्या किया, इस प्लेट को स्टेशनरी किया और इस प्लेट को सर्टेन वेलोसिटी v, v हमें जितना भी फोर्स लगाना पड़े दैट डजंट मैटर, मैंने इसमें v एक क्या किया, मेंटेन किया। एज अ रिजल्ट क्या हुआ, मैंने बताया था आपको, एज अ रिजल्ट इस केस में क्या होगा, आपका एक लीनियर प्रोफाइल जनरेट होगा, इस केस में एक लीनियर प्रोफाइल जनरेट होगा, एक दूसरे के हर एक मॉलिक्यूल का मोशन एक दूसरे को अपोज करेगा, जिसके रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा, जिसके कारण एक वेलोसिटी प्रोफाइल क्रिएट होगा। ठीक है, ये वाला मॉलिक्यूल ए बताया था मैंने, ये मॉलिक्यूल बी बताया था मैंने, दिस वन इज वन प्लेट, दिस वन इज द टू प्लेट, बी इज ऑलवेज इन नो स्लिप कंडीशन विद द बी एंड ए इज ऑलवेज इन द नो स्लिप कंडीशन विद द वन। ठीक है, जिसके कारण एक हर एक मॉलिक्यूल एक दूसरे के लेयर को, हर एक मॉलिक्यूल एक दूसरे के लेयर को एक दूसरे के वेलोसिटी को अपोज करेगा बिकॉज ऑफ द विस्कस इफेक्ट, जिसके कारण क्या बनेगा, आपका एक वेलोसिटी प्रोफाइल बनेगा, लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल। बहुत ही सिंपल एग्जांपल हमने देखा था और मैंने बताया था ऐसे फ्लो को क्या कहते हैं, कॉट फ्लो कहते हैं, विदाउट प्रेशर ग्रेडियंट, विदाउट प्रेशर ग्रेडियंट। मैंने बताया था कि इस तरीके का फ्लो कहां पे होता है, जनरली जब सरफेस के बीच किसी तरीके का मोशन नहीं है तो फ्लूड भी स्टैटिक कंडीशन में है। जैसे दो सरफेस के बीच अगर लुब्रिकेशन है, तो अगर सरफेस में किसी तरीके का मशीन अगर नहीं स्टार्ट करते हो तो सरफेस के बीच किसी तरीके का रिलेटिव मोशन नहीं है, उस लुब्रिकेशन का मोशन भी क्या होगा, जीरो होगा। और जैसे ही मशीन स्टार्ट करते हो सरफेस के बीच का रिलेटिव मोशन स्टार्ट होता है और उसके कारण आपके लुब्रिकेशन में भी फ्लो स्टार्ट होता है। इस तरीके के मोशन को दैट वन इज कॉल्ड एज अ कॉट फ्लो विदाउट प्रेशर ग्रेडियंट, और इस तरीके में जनरली लीनियर प्रोफाइल होता है। मैंने कहा था आपसे कि इसे हम पढ़ेंगे, इस तरीके के प्रोफाइल को पढ़ेंगे जब हम कहां पे जाएंगे, जब हम जाएंगे आपका फ्लो बिटवीन द चैनल्स। उसके बाद मैंने कहा था कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए एक छोटा सा एग्जांपल दे दिया था मैंने। सपोज टू बी पाइप है, पाइप क्या होगा आपका, अपना फ्लो, फ्लूड हैविंग इट्स ओन वेलोसिटी। पाइप स्टेशनरी है फिर भी फ्लूड फ्लो हो रहा है बिकॉज ऑफ सम एक्सटर्नल मींस, या किसी सर्टेन रिजर्वायर के में पाइप लगाने के कारण। तो ऑब्वियस ये तो समझ ही रहे होगे कि इस रिजर्वायर के पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, उस पोटेंशियल एनर्जी के कारण यहाँ पे फ्लो मेंटेन होगा, उसके बाद मैंने बताया था इवन प्लेट्स के बीच में भी प्लेट्स स्टेशनरी है और एक्सटर्नल मींस के कारण हम फ्लूड में फ्लो कर रहे हैं, तो ये सब क्या हो गए, फ्लूड के पास अपनी वेलोसिटी, अपना फ्लो है फ्लूड के पास अपना फ्लो है। बट इन दिस कंडीशन फ्लूड के पास अपना फ्लो नहीं है, इसमें फ्लो कैसे क्रिएट हो रहा है, सरफेस के रिलेटिव मोशन के कारण क्रिएट हो रहा है। तो बहुत ही सिंपल एग्जांपल जानबूझ के लिया था मैंने कि इसी बेस के ऊपर आगे बढ़ेंगे तो हमारे लिए एनालिसिस थोड़ा सा क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। अदरवाइज जैसा जैसा हम आगे बढ़ेंगे यू कैन इजिली अंडरस्टैंड, वो सारी चीजें हम समझते जाएंगे। ठीक है, बहुत ही हमारा एनालिसिस ईजी हो जाएगा। उसके बाद मैंने कहा था कि जनरली टॉ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी थीटा बाई डी टी, और उसके बाद मैंने बताया था टॉ इज इक्वल टू म्यू इनटू डी थीटा बाई डी टी। अगर डी थीटा बाई डी टी क्लियरली मैंने बताया था कि ज्यादा है एक पर्टिकुलर सीयर स्ट्रेस के लिए, यानी कि उसके पास फ्लो एबिलिटी ज्यादा है। अगर ये कम है तो फ्लो एबिलिटी कम है, और इसके अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट की बात करें तो ये कम होगा और ये बात करें तो ये ज्यादा होगा, यानी कि ये एक जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ये फ्लूड टू फ्लूड चेंज करेगा एक पर्टिकुलर सीयर स्ट्रेस के लिए, सॉरी फ्लूड टू फ्लूड में एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो ये म्यू का वैल्यू फ्लूड टू फ्लूड चेंज किया, और फ्लूड टू फ्लूड चेंज करने के कारण दैट वन इज एग्जैक्टली कॉल्ड एज द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूड which is responsible for resistance to flow, or you can say resistance to
डिफॉर्मेशन, अगर ये ज्यादा होगा तो डिफॉर्मेशन कम होगा, रेसिस्टेंट टू डिफॉर्मेशन, और यू कैन से रेसिस्टेंट टू फ्लो। क्लियर? चलिए, ये सारी चीजें हमने डील करी थी। उसके बाद मैंने बताया था कि इस डी थीटा बाई डी टी को और इजी वे में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए, इस डी थीटा बाई डी टी को और इजी वे में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए। तो मैंने इस डी थीटा बाई डी टी के लिए बताया था दैट डी थीटा बाई डी टी मैंने कुछ किया नहीं था, एक सिंपल फिर से ग्लिम्स दे दे रहा हूं, डी वाई लिया था मैंने, ठीक है, डी वाई लिया था, ये तो मैंने बताया था एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में क्या है, ये एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में वेलोसिटी प्रोफाइल है इस मॉलिक्यूल के पास, ये बता रहा है कि ये यू वेलोसिटी है और ये यू प्लस डी यू वेलोसिटी है। लेकिन डी टी टाइम, आप कहोगे कि सर डी टी टाइम ही क्यों ले रहे हैं, हो सकता है कि फर्दर नेक्स्ट इंस्टेंट में आपका डी थीटा चेंज हो जाए, फर्दर नेक्स्ट इंस्टेंट में आपका थीटा चेंज हो जाए। अगर टाइम टू टाइम आपका थीटा चेंज करता जाएगा, ऑब्वियस हमें क्या लेना पड़ेगा, डी टी लेना पड़ेगा, इसीलिए हमने डी टी कर लिया था। तो इस बात से निश्चिंत रहिएगा, फिर रिपीट कर रहा हूं, आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा सर डी टी ही क्यों ले रहे हैं, डायरेक्ट हम टाइम क्यों नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ पे थीटा का डिपेंडेंसी टाइम के अकॉर्डिंग हो सकता है, और फर्दर नेक्स्ट इंस्टेंट में आपका क्या हो, टाइम के अकॉर्डिंग थीटा में चेंज आ सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली टी लेते हो, टी पे थीटा लेते हो, तो इसका मतलब कि थीटा टी के अकॉर्डिंग वेरी नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है ना, यूनिफॉर्मली आपका क्या हो रहा है, टी के अकॉर्डिंग एक सेकंड में जितना डिफॉर्म हुआ फर्दर एक सेकंड में उतना ही डिफॉर्म होगा, कहने का अर्थ ये है, ठीक है। तो दैट वन इज डी थीटा बाई डी टी, इसे ले लिया मैंने। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो डी थीटा बाई डी टी फाइनली डी वाई, और उसके बाद देखा था मॉलिक्यूलर मूवमेंट को देखा था हमने डी टी के, ठीक है, मॉलिक्यूलर मूवमेंट को देखा था हमने डी टी, ठीक है। तो एक सर्टेन वाई पे क्या था आपका, सर्टेन वाई पे थोड़ा मैंने कहा इसे थोड़ा बड़ा करूंगा मैं, और कहा था आपसे, और इसे भी क्या करेंगे, u प्लस डी यू इन टू डी टी, ठीक है, ये आपका क्या था, दैट वन इज एग्जैक्टली डी थीटा, डी टी टाइम में तो डी थीटा ही डिफॉर्म होगा जब मूव करना शुरू करेगा, तो जब मूव करना शुरू करेगा तो दैट वन इज डी वाई, और ये हमने क्या देखा था, दैट वन इज डी थीटा, दैट वन इज डी थीटा, और इस तरीके से कैलकुलेट करके हमने डी थीटा बाई डी टी क्या फाइंड आउट किया था, डी यू बाई डी वाई फाइंड आउट किया था, डी यू बाई डी वाई फाइंड आउट किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम आज, ठीक है, आज आगे बढ़ते हैं ना, ग्लिम्स हो गया आपका प्रीवियस क्लास का। प्रीवियस क्लास का एक ग्लिम्स हो गया, फाइनली हमें क्या मिला, फाइनली टॉ इज इक्वल टू म्यू इंटू डी थीटा बाय डी टी एंड इज इक्वल टू म्यू इंटू डी यू बाय डी वाई, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये डी थीटा बाई डी टी को क्या कहते हैं, एक तो ऑलरेडी बता चुका हूं, रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। और ये देखें कि इस सियर स्ट्रेस के कारण व्हाट हैपन एक्चुअली, इस सियर स्ट्रेस के कारण आप भी जानते हो, सॉलिड में आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ा होगा कि इस सियर स्ट्रेस के कारण क्या होता है, यही थीटा आपका क्या कहलाता है, सियर स्ट्रेन भी कहलाता है। तो यहाँ पे इसी सियर स्ट्रेस के कारण ये डी थीटा बाय डी टी है, तो ये बात अलग है कि ये सिर्फ सियर स्ट्रेन ना होके क्या कहलाएगा, रेट ऑफ सियर स्ट्रेन, ठीक है, रेट ऑफ सियर स्ट्रेन विच इज इक्वल टू द डी यू बाई डी वाई, यानी कि इस डी यू बाई डी वाई को भी आप क्या कहेंगे, डी यू बाई डी वाई इज मेनली इज कॉल्ड एज द एंगुलर डिफॉर्मेशन और रेट ऑफ सियर स्ट्रेन। सेकेंडरी इसे क्या कह सकते हैं, याद रखिएगा, प्राइमरी तो आपका यही है रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन और रेट ऑफ सियर स्ट्रेन। सेकेंडरी इसे क्या कह सकते हैं दैट वन इज वॉट
That one is velocity gradient, velocity primary ये है, ध्यान दीजिएगा प्राइमरी ये है, दैट वन इज प्राइमरी, डी यू बाई डी वाई को तो प्राइमरी यही कहेंगे, कहीं पे भी अगर पूछे तो रेट ऑफ शियर स्ट्रेन ही लिखना है, ठीक है। कुछ इस तरीके से वेलोसिटी ग्रेडियंट, अगर शियर स्ट्रेस और इन चीजों को इंटरलिंक करें आपके क्वेश्चन में तो प्राइमरी तो आपको यही लिखना है, रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन और रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, अगर इन चीजों को इंटरलिंक करें आपके क्वेश्चन में तो, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो। बाकी सेकेंडरी क्या कह सकते हैं, अपने कन्वीनियंस के लिए वेलोसिटी ग्रेडियंट इन द नॉर्मल डायरेक्शन ऑफ द फ्लो, इन द नॉर्मल डायरेक्शन, इन द नॉर्मल डायरेक्शन ऑफ द, इन द नॉर्मल डायरेक्शन ऑफ द फ्लो, इन द नॉर्मल डायरेक्शन ऑफ द फ्लो, इन द नॉर्मल डायरेक्शन ऑफ द फ्लो। और सेकेंडरी क्या कह सकते हैं, सीधी सी बात है, ये क्या है, ये आपका स्लोप है, दैट वन इज नथिंग बट द स्लोप, स्लोप ऑफ वेलोसिटी प्रोफाइल, स्लोप ऑफ वेलोसिटी प्रोफाइल विथ रेस्पेक्ट टू वाई, विथ रेस्पेक्ट टू वाई, वाई के रेस्पेक्ट में आपका ये वेलोसिटी स्लोप है। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा कि दैट वन इज, ये आपको सेकेंडरी, दैट वन इज सेकेंडरी, सेकेंडरी मैंने कहा सेकेंडरी, ठीक है ना, सेकेंडरी, बट दिस वन इज द प्राइमरी, डी यू बाई, मैंने कहा कि अगर इनको इंटरलिंक करे आपके क्वेश्चन में तो आपको क्या कहना है, दैट वन इज ऑलवेज कॉल्ड एज द रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन और रेट ऑफ सीयर स्ट्रेन, इस बात का ध्यान रखिएगा। सेकेंडरी आप ये कहोगे वेलोसिटी ग्रेडियंट इन द नॉर्मल डायरेक्शन, क्योंकि सीयर स्ट्रेस एक्चुअली डायरेक्टली इंटरलिंक करता है डी थीटा बाई डी टी को, और डी थीटा बाई डी टी के बाद आपका एक्चुअली आया है डी यू बाई डी वाई, इसे और इजी कन्वीनियंट करने के लिए हमने कैलकुलेट करके, दैट्स व्हाई दैट डी यू बाई डी वाई इज ऑल्सो कॉल्ड द रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन रेट ऑफ सीयर स्ट्रेन। सेकेंडरी वे में अपने कन्वीनियंस के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट इन द नॉर्मल डायरेक्शन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, नॉर्मल डायरेक्शन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ठीक है ना, और स्लोप ऑफ वेलोसिटी प्रोफाइल विथ रिस्पेक्ट टू वाई, वेलोसिटी ग्रेडियंट इन द नॉर्मल डायरेक्शन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ठीक है। चलिए फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीजें हो गई, क्लियर है, जब सारी चीजें क्लियर हो गई, नाउ विल मूव ऑनवर्ड्स, नाउ विल मूव ऑनवर्ड्स, आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। जब ये क्लियर हो गया, अब एक स्पेशल केस यहां पे देखेंगे हम लोग, वी विल सी अ सर्टेन स्पेशल केस, स्पेशल केस, ये इनजनलाइज्ड है, मैंने, ठीक है, ये इनजनलाइज्ड है, किसी तरीके के वेलोसिटी प्रोफाइल के लिए आप इसे यूटिलाइज कर सकते हो, किसी तरीके के वेलोसिटी प्रोफाइल के लिए आप इसे यूटिलाइज कर सकते हो, लेकिन यहां पे मैंने कहा एक स्पेशल केस देखेंगे, स्पेशल केस देखेंगे, इफ वेलोसिटी प्रोफाइल, इफ वेलोसिटी प्रोफाइल, इफ वेलोसिटी प्रोफाइल इज लीनियर, इफ वेलोसिटी प्रोफाइल इज लीनियर, इफ वेलोसिटी प्रोफाइल इज लीनियर, यानी कि सीधे से बात है कि उस कॉट फ्लो के बारे में हम समझ सकते हैं, ठीक है ना, जो क्या हो रहा है आपका, दैट वन इज कुछ इस तरीके से वेलोसिटी प्रोफाइल दे रहा है आपका, इस तरीके से वेलोसिटी प्रोफाइल, मैंने कहा ये कंप्लीटली स्टेशनरी है और ये सर्टेन v है और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, सपोज टू बी दैट वन इज टेकन टू बी व्हाट, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, सपोज टू बी y, मान लिया मैंने इनके बीच का डिस्टेंस, दैट वन इज टेकन टू बी y, ध्यान दीजिएगा, व्हाट वी कैन से, एक काम करो, इनके बीच का डिस्टेंस फॉर द टाइमिंग h मान लो, ठीक है ना, इनके बीच का डिस्टेंस h मान लो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर क्या है आपका कि दैट वन इज सीयर स्ट्रेस इज इक्वल टू म्यू इन टू डी यू बाई डी वाई है, दैट वन इज एग्जैक्टली म्यू इन टू डी यू बाई डी वाई, म्यू इन टू डी यू बाई डी वाई, ठीक है,
म्यू इंटू डी यू बाई डी वाई. अगर लीनियर प्रोफाइल हुआ, यानी वेलोसिटी प्रोफाइल लीनियर हुआ, वेलोसिटी प्रोफाइल लीनियर हुआ, यू नो वेरी वेल लीनियर प्रोफाइल क्या होता है, एम वाई प्लस सी. जनरली क्या होता है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. तो डी वाई बाई डी एक्स निकालते हो, क्या है आपका, दैट वन इज द स्लोप, ठीक है ना. अगर डी यू बाई डी वाई, डी यू बाई डी वाई क्या है आपका, दैट वन इज वॉट, दैट वन इज वॉट, डी यू बाई डी वाई लीनियर प्रोफाइल. तो यू किसके रिस्पेक्ट में वैरी करेगा, वाई के रिस्पेक्ट में ना वैरी करेगा, वाई के रिस्पेक्ट में वैरी करेगा. यू इज इक्वल टू एम वाई प्लस सी. वॉट यू कैन से, द डी यू बाई डी वाई इज नथिंग बट एम विच इज कॉन्स्टेंट, जो कि क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा. लीनियर प्रोफाइल के लिए तो यही होता है ना, स्लोप हमेशा क्या होता है, स्लोप इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट. ये वाला स्लोप क्या होगा, स्लोप इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट फॉर द लीनियर प्रोफाइल, ठीक है. अगर हमें ये एम फाइंड आउट हो जाए तो हमारा काम बन जाएगा. नाउ व्हाट वी कैन से कि अगर आपका, थोड़ा ध्यान दीजिए, आप बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे, बाउंड्री कंडीशन एम और सी के फाइंड आउट करने के लिए. अगर वाई इज इक्वल टू जीरो है तो यहां पे नो स्लिप कंडीशन और स्टेशनरी कंडीशन में है, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, यू इज इक्वल टू यू इज ऑल्सो जीरो. तो सी क्या हो जाएगा आपका, सी जीरो हो जाएगा, सी इज जीरो. अगर वाई चलते चलते कहां गए, y चलते चलते मूव करते करते h पे गए, तो यहां पे भी नो स्लिप कंडीशन, बट इस नो स्लिप कंडीशन के कारण इसके पास वेलोसिटी कितना है, v है. दैट्स वाई द यू इज इक्वल टू वी. नाउ व्हाट वी कैन से, व्हाट वी कैन से, देन m इज इक्वल टू v बाई h. और किसी भी सर्टेन y पे, किसी भी सर्टेन y पे अगर आपका वेलोसिटी u है, दैट आल्सो कैन बी रिटन एज u by y, यू कैन इजिली अंडरस्टैंड. किसी भी सर्टेन y पे अगर किसी फ्लूड लेयर्स का वेलोसिटी u है, तो दैट आल्सो कैन बी रिटन, क्योंकि मैंने कहा कि ये तो क्या होने वाला है, कॉन्स्टेंट, क्लियरली आपको दिख रहा है, m इज इक्वल टू v बाई h u बाई y. दिस वन इज एग्जैक्टली वॉट, एंड देन यू कैन डिटर्मिन द वैल्यू ऑफ द, यानी कि सीयर स्ट्रेस क्या हो जाएगा, द सीयर स्ट्रेस इज इक्वल टू म्यू इन टू यू बाई वाई और इक्वल टू म्यू इन टू वी बाई एच, ठीक है. ये हो जाएगा आपका, दैट वन इज द सीयर स्ट्रेस फॉर द लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल. लेकिन अदर देन लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल हुआ, अदर देन लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल हुआ, अदर देन लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल हुआ, यू नो वेरी वेल, अदर देन लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल हुआ, यू नो वेरी वेल कि हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी प्रोफाइल कुछ इस तरीके से हो गया. मैंने कहा ना कि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इन चीजों को समझेंगे. अगर इस तरीके का वेलोसिटी प्रोफाइल हो गया, इस तरीके का वेलोसिटी प्रोफाइल हो गया, यू नो वेरी वेल हर एक पॉइंट पे डी यू बाई डी वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज कर जाएगा. हर एक पॉइंट पे डी यू बाई डी वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज कर जाएगा. इसलिए इस तरीके के वेलोसिटी प्रोफाइल में इन जनरलाइज टॉय इज इक्वल टू म्यू इन टू डी यू बाई डी वाई, बट इन द केस ऑफ द लीनियर प्रोफाइल, जो कि डी यू बाई डी वाई, यानी कि स्लोप आपका कॉन्स्टेंट हो जाता है लीनियर प्रोफाइल के लिए, तो क्या होगा आपका, इस पर्टिकुलर केस के लिए सीयर स्ट्रेस इज इक्वल टू म्यू इन टू वी यू बाई वाई या वी बाई एच. दैट वन इज सिंपली, ध्यान दीजिएगा, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं मैं. मैंने कहा कि प्रोफाइल तो किसी तरीके का हो सकता है. मैंने कहा कि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोफाइल भी देखेंगे. अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोफाइल है, उस कर्वेचर के केस में क्या होगा आपका, डी यू बाई डी वाई, डी यू बाई डी वाई, दैट वन इज द यू, दैट वन इज द वाई, ठीक है ना. डी यू बाई डी वाई इसी तरीके से है. अरे यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हॉरिजॉन्टल मैग्नीट्यूड आपका, हॉरिजॉन्टल मैग्नीट्यूड आपका क्या, हॉरिजॉन्टल लेंथ क्या डिनोट कर रहा है, यू डिनोट कर रहा है. और वर्टिकल नॉर्मल टू द फ्लो डायरेक्शन क्या डिनोट कर रहा है आपका, वाई डिनोट कर रहा है. उसी तरीके से यहां पे भी कर दिया मैंने. अगर डिफरेंट वेलोसिटी प्रोफाइल है तो हर पॉइंट पे डी यू बाई डी वाई क्या होगा, वाई के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में डी यू बाई डी वाई क्या होगा, डी यू बाई डी वाई, डी यू बाई डी वाई. ध्यान दीजिएगा, एक छोटा सा चीज बताऊंगा मैं. जब आप dy by dx करते हैं, एक जनरली dy by dx करते हैं तो स्लोप लेते हैं, दैट वन इज द स्लोप इज टेकन फ्रॉम द x एक्सिस. वहीं पे जब आप dx by dy करते हैं तो स्लोप आप किसके रेस्पेक्ट में लेते हैं, द स्लोप इज टेकन विद रेस्पेक्ट टू द y. जब dx by dy करते हैं द स्लोप इज टेकन विद रेस्पेक्ट टू y, द स्लोप इज टेकन विद रेस्पेक्ट टू
y. In the same way, यहां पे भी आपका क्या होगा y के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, रेड कलर से कर दे रहा हूं, y के रिस्पेक्ट में स्लोप आएगा, y के रिस्पेक्ट में स्लोप आएगा, y के रिस्पेक्ट में स्लोप आएगा, ठीक है, y के रिस्पेक्ट में स्लोप आएगा, तो यहां पे स्लोप आपका चेंज होगा. अब इसलिए अदर देन लीनियर प्रोफाइल हुआ, अदर देन लीनियर प्रोफाइल हुआ, दिस इज द जनरलाइज, दिस इज द जनरलाइज म्यू इनटू डी यू बाई डी वाई, बट लीनियर हुआ उस पर्टिकुलर केस के लिए हम ये कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं. आगे बढ़ेंगे इसी में अगला केस, इस तरीके के न्यूमेरिकल्स को हम देखेंगे, बहुत देखेंगे, ठीक है ना. इसी में सेकेंड केस, ठीक है ना, इन द इसी में आपका सेकेंड केस. मान लीजिए कि सपोज टू बी नीचे वाले का भी एक सर्टेन वेलोसिटी वी वन हो गया और ऊपर वाले का वेलोसिटी क्या हो गया वी टू हो गया, ऊपर वाले का वेलोसिटी क्या हो गया वी टू हो गया, एंड स्टिल दैट वन इज टेकन टू बी एच, स्टिल दैट वन इज टेकन टू बी एच. नाउ द वेलोसिटी प्रोफाइल, नाउ द वेलोसिटी प्रोफाइल यू कैन इजिली अंडरस्टैंड. Now the velocity profile, that one is again 1, that one is 2. V1 is supposed to be greater than V2. Ho sakta hai, don't worry. Theek hai, that one is again taken to be A. A is always in no slip condition with the 1 and B is always in the no slip condition with the 2. A is always in the no slip condition with the 1 and B is always in the no slip condition with the B. Sorry, 2. B is always in the no slip condition with the 2. क्या होगा इसके पास V2 होगा और अगेन सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे के मोशन को अपोज करेंगे जिसके कारण रिलेटिव मोशन क्या होगा रिलेटिव मोशन अपोज होगा और इसके पास भी V1 के बराबर वेलोसिटी होगा बट स्टिल देयर विल बी द लीनियर प्रोफाइल. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द कॉट फ्लो, डोंट वरी, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द कॉट फ्लो विदाउट प्रेशर ग्रेडियंट. यहां पर क्या होगा आपका, मैंने कहा ना दोनों के बीच रिलेटिव मोशन हो सकता है, ठीक है. दिस वन इज स्टिल, दिस वन इज लीनियर, ध्यान दीजिएगा, दिस वन इज लीनियर, दिस वन इज अ लीनियर प्रोफाइल, दिस वन इज अ लीनियर प्रोफाइल, दिस वन इज अ लीनियर प्रोफाइल, ठीक है. अब इसके लिए कैसे लिखोगे भाई, जब ये स्टेशनरी है इसके लिए तो लिख दिया आप, अब इसके लिए सीयर स्ट्रेस अगर आपको फाइंड आउट करना हो तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलिए देखते हैं. सीयर स्ट्रेस फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, डी यू बाई डी वाई चाहिए और इन जनरलाइज मैंने क्या बताया एम वाई प्लस सी तो बताया ही, डी यू बाई डी वाई इज इक्वल टू एम विच इज अगेन कॉन्स्टेंट होगा ही, ठीक है ना, विच इज अगेन कॉन्स्टेंट. अरे इंटरसेप्ट, यहां पे अंतर यही है कि सडन इंटरसेप्ट है, ठीक है, अंतर यही है कि सडन इंटरसेप्ट है बट लीनियर है तो कॉन्स्टेंट ही होगा ना, लीनियर है तो कॉन्स्टेंट ही होगा. Now what we can say, u is equal to my plus c, अंतर यही है कि बाउंड्री कंडीशन चेंज कर जाएगा. y is equal to 0 पे अब u is equal to 0 नहीं होगा, y is equal to 0 पे अब u is equal to v1 होगा, y is equal to 0 पे अब u is equal to क्या होगा v1 होगा. जब v1 होगा तो पुट करिए, यू कैन पुट हियर दैट वन इज द v1, ये 0 और c क्या हो जाएगा आपका, C आपका V1 के बराबर हो जाएगा और जब आपका Y is equal to H पुट करोगे U क्या मिल जाएगा, U आपका V2 मिल जाएगा और जब V2 मिल जाएगा तो V2 minus V1, हाँ V2 minus V1 by H, V2 minus V1 by H, that one is M which is equal to the DU by DY. V2 minus V1 by H is equal to M is equal to DU by DY. यानी कि इस केस के लिए सीयर स्ट्रेस क्या हो जाएगा आपका, mu into V2 minus V1 by H, H यानी कि H और इन दोनों के बीच का रिलेटिव मोशन, इन दोनों के बीच ये क्या है एक्चुअली, दैट वन इज अ रिलेटिव मोशन, दैट वन इज अ रिलेटिव मोशन. अगर इन जनरलाइज्ड करें, इन जनरलाइज्ड करें तो किसी भी y डिस्टेंस पे अगर ये किसी भी सर्टेन y डिस्टेंस पे अगर ये u है, अगर ये u है, अगर इसका इस y डिस्टेंस के बीच, इस y डिस्टेंस के बीच व्हाट हैपन, इन दोनों के बीच इस प्लेट और इस u के बीच के रिलेटिव मोशन को लेंगे या फिर किसी के बीच का डिस्टेंस, कोई भी डिस्टेंस, सपोज तो भी ये y1 है
इन दोनों के बीच का रिलेटिव मोशन लेंगे, यू कैन गेट योर। तो यहां पे एक्चुअली इन जनरलाइज्ड इन दोनों और इन दोनों को साइमल्टेनियसली क्या करते हैं, क्लबिंग करते हैं और एक जनरलाइज्ड रिजल्ट म्यू इनटू यू की जगह यू रिलेटिव, ना हमने यू लिखा ना बी टू माइनस बी वन लिखा, यू रिलेटिव। यू रिलेटिव क्या है, दो लेयर्स के बीच का रिलेटिव मोशन, दो लेयर्स के बीच का रिलेटिव मोशन। और ये तो कितनी बार आया यार कि अगर फ्रिक्शनल इफेक्ट आएगा, फ्रिक्शनल इफेक्ट आएगा तो दो लेयर्स के रिलेटिव मोशन के कारण ही आएगा। ये तो शुरू से फ्रिक्शनल इफेक्ट ऑलवेज अपोजेस द रिलेटिव मोशन, इसलिए यहां पे भी आप देख रहे हो कि रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट आ रहा है। और दैट वन इज यू आर बाय वाई, वाई डिस्टेंस के बीच अगर दो लेयर हैं तो दोनों लेयर के बीच के रिलेटिव मोशन को लेंगे। एंड दैट वन इज टॉ, दिस वन इज वॉट, ये क्या होगा आपका लीनियर इन जनरलाइज लीनियर प्रोफाइल। अब लीनियर प्रोफाइल ऐसा हो चाहे लीनियर प्रोफाइल ऐसा हो, यू कैन इजिली सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। और हम इस तरीके के क्वेश्चन को करेंगे भी, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। तो मैंने कहा इन जनरलाइज इसको और इसको को, दोनों को अलग अलग नाम बना के हमने क्या बनाया, एक जनरलाइज केस बनाया। और मैंने बताया कि अगर दो लेयर्स के बीच का डिस्टेंस y है और दो लेयर्स के बीच के डिस्टेंस अगर y है तो उन दोनों लेयर्स के बीच का रिलेटिव वेलोसिटी लेंगे, और रिलेटिव वेलोसिटी बाय y, दिस वन इज टॉ इज इक्वल टू म्यू इनटू यू आर बाय y, दिस वन इज अ जनरलाइज्ड। ये आपको क्या करना है, यू हैव टू रिमेंबर, रेड कलर से कर रहा हूं, यू हैव टू इसे ध्यान रखना है, यू हैव टू रिमेंबर इट। न्यूमेरिकल में आपका ये इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा, ये आपका न्यूमेरिकल में बहुत ही काम आएगा, ये आपका न्यूमेरिकल में बहुत ही काम आने वाला है। चलिए ये हो गया आपका स्पेशल केस, इफ द वेलोसिटी प्रोफाइल इज लीनियर, इफ द वेलोसिटी प्रोफाइल इज लीनियर। और मैंने बताया कि अगर लीनियर नहीं होगा तो आपको पता है कि इन जनरलाइज इसी तरीके से मूव करेंगे, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट आपका स्लोप क्या होता जाता है, पॉइंट टू पॉइंट स्लोप आपका चेंज होते जाता है। क्लियर, this one is for special case leaf, for the linear velocity profile, for the linear velocity profile I'm going to erase it, ise erase karunga main, theek hai। Now come to the next, हम क्या पढ़ेंगे आगे, उसके बाद हम देखेंगे actually, जब म्यू के बारे में सारा कुछ जान लिया हमने, ठीक है, लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल के भी बारे में जान लिया एंड ऑल दिस थिंग्स, अदरवाइज टॉय इज इक्वल टू म्यू इनटू डी यू बाय डी वाई के बारे में जानेंगे, ठीक है, उसके बाद समझेंगे, ठीक है, इस सीयर स्ट्रेस के बारे में, वी विल डिस्कस अबाउट दैट सीयर स्ट्रेस, ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा कि कहीं पे भी मटेरियल में, मैटर में अगर स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, शुरू में ही फ्रॉम द फर्स्ट क्लास, फ्रॉम द बिगिनिंग इस चीज को रियल बता रहा हूं मैं, किसी भी मैटर में अगर स्ट्रेस जनरेट होता है, दैट इज इट मीन्स वो एक्सटर्नल फोर्सेस को क्या कर रहा है, रेसिस्ट कर रहा है, वो एक्सटर्नल फोर्सेस को रेसिस्ट कर रहा है डिफॉर्म होने के लिए, ठीक है ना, डिफॉर्म होने से रेसिस्ट कर रहा है। एक्सटर्नल फोर्स जहां पे भी रेसिस्टेंस फोर्स विद इन द मैटर आएगा, जहां पे भी रेसिस्टेंस फोर्स विद इन द मैटर आएगा वहां पे क्या होगा, रेसिस्टेंस फोर्स विद इन द मैटर आएगा वहां पे सीयर स्ट्रेस जनरेट होगा, क्या होगा आपका, सीयर स्ट्रेस आपका जनरेट होगा, दैट वन इज सीयर स्ट्रेस आपका जनरेट होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और यहां पे इस फ्लूड में यहां पे कैस किस तरीके का रेसिस्टेंस आ रहा है, इस फ्लूड में भी तो जब आपका V1 है, V2 है, V3 है, V4 है, जब ये लेयर्स भी मूव कर रहे हैं आपस में अलग अलग वेलोसिटी पे, तो एक लेयर दूसरे के को क्या कर रहा है, रेसिस्ट कर रहा है, दूसरे को अपोज कर रहा है,
ठीक है, तो यहां पे भी मैटर के अंद विदिन आपका रेसिस्टेंस क्रिएट हो रहा है और ऑब्वियस कैसे फ्लो हो रहा होगा, कहीं ना कहीं आपने एक सीयर फोर्स लगाया होगा, इंटरनल रेसिस्टेंस क्रिएट हो रहा है और उसी इंटरनल रेसिस्टेंस के कारण आपका क्या हो रहा है, इंटरनल रेसिस्टेंस क्रिएट हो रहा है और उसी इंटरनल रेसिस्टेंस के कारण आपका क्या क्रिएट हो रहा है, उसी इंटरनल रेसिस्टेंस के कारण आपका सीयर स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है और दैट्स व्हाई मैंने कहा, और वो इंटरनल रेसिस्टेंस को आपके फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या कहते हैं, विस्कस इफेक्ट कहते हैं, फ्रिक्शनल, उस फ्रिक्शनल इफेक्ट को इस फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या कहते हैं, विस्कस इफेक्ट कहते हैं, दैट्स व्हाई इन फ्लूइड मैकेनिक्स द सीयर स्ट्रेस इज जनरली कॉल्ड एज द विस्कस सीयर, विस्कस सीयरिंग, विस्कस सीयरिंग स्ट्रेस, विस्कस सीयरिंग स्ट्रेस, विस्कस सीयरिंग स्ट्रेस, ठीक है ना, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं आप लोगों की सुविधा के लिए, मैंने कहा कि दैट वन इज टॉ इज इक्वल टू म्यू इनटू डी यू बाय डी वाई, ये तो क्लियर हो चुका है जनरलाइज्ड प्रोफाइल के लिए भी और लीनियर प्रोफाइल के लिए भी हमने सारा डिस्कस कर दिया। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, मैंने शुरू में ही कहा था कि अगर कोई भी मैटर डिफॉर्मेशन होने के लिए, डिफॉर्म से बचने के लिए अगर एक्सटर्नल फोर्सेस को अपोज करे, ठीक है ना, डिफॉर्मेशन से बचने के लिए अगर एक्सटर्नल फोर्सेस को अपोज करे या तो क्या होगा, वहां पे हर हाल में क्या होगा, रेसिस्टेंस फोर्स विद इन द मैटर आएगा। इसका मतलब साफ है कि उसके मैटर के अंदर आपका रेसिस्टेंस फोर्स आएगा, रेसिस्टेंस फोर्स आएगा और उस रेसिस्टेंस फोर्स के कारण क्या होगा, जनरेट होगा, देयर विल बी रेसिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया इज जनरली कॉल्ड एज द सीयर स्ट्रेस, सीयर स्ट्रेस, सीयर स्ट्रेस, सीयर स्ट्रेस, क्लियर है। और आप देख सकते हैं कि इस फ्लूड में भी आपका क्या हो रहा है, फ्लूड में भी V1, V2, V3, V4 अगर अलग अलग रिलेटिव वेलोसिटी हैं, फ्लूड में भी इनके बीच क्या हो रहा है, इनके वेलोसिटी को अपोज कर रहा है, इनके व्हाट, इनके फ्लो को अपोज कर रहा है इंटरनल रेसिस्टेंस। अरे फ्लो को अपोज कर रहा है इंटरनल रेसिस्टेंस, आया ना, ठीक है ना, दैट वन इज फ्लो को अपोज कर रहा है इंटरनल रेसिस्टेंस, इनके रिलेटिविटी को अपोज कर रहा है, इसका मतलब फ्लो को रेसिस्ट कर रहा है, डिफॉर्मेशन होने से रेसिस्ट कर रहा है, फ्लो को अपोज करेगा मतलब डिफॉर्मेशन होने से अपोज कर रहा है, इसका मतलब इसके अंदर भी एक इंटरनल रेसिस्टेंस आ रहा है, उसी इंटरनल रेसिस्टेंस के कारण यहाँ पे भी क्या जनरेट हो रहा है, एक सीयर स्ट्रेस जनरेट हो रहा है। दैट्स व्हाई इन फ्लूइड मैकेनिक्स दैट सीयर स्ट्रेस कॉजेज ड्यू टू द सीयर स्ट्रेस, सीयर स्ट्रेस, सीयर स्ट्रेस कॉजेज ड्यू टू इंटरनल रेसिस्टेंस, सीयर स्ट्रेस कॉजेज, कॉजेज ड्यू टू इंटरनल, इंटरनल रेसिस्टेंस विच इज दैट इज विस्कस, विस्कस इफेक्ट, दैट इज विस्कस इफेक्ट, दैट इज इंटरनल रेसिस्ट, क्यों, दैट इज विस्कस इफेक्ट ड्यू टू इंटरनल रेसिस्टेंस। व्हेन फ्लूइड इज इन, व्हेन फ्लूइड इज इन, इज इन रिलेटिव, रिलेटिव मोशन, व्हेन फ्लूइड इज इन रिलेटिव मोशन, ठीक है, दैट्स व्हाई इन द फ्लूइड मैकेनिक्स, इन द फ्लूइड मैकेनिक्स दैट सीयर स्ट्रेस इज जनरली कॉल्ड एज द विस्कस सीयरिंग स्ट्रेस, दैट सीयर स्ट्रेस इज कॉल्ड एज द विस्कस सीयरिंग स्ट्रेस। और अभी याद होगा मैंने लिखा था विस्कस सीयरिंग इफेक्ट, विस्कस सीयरिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा होने का मतलब ऑब्वियस ये विस्कस सीयरिंग स्ट्रेस का वैल्यू उस VBL में, वेलोसिटी बाउंड्री लेयर में बहुत ही ज्यादा होता है। और ज्यादा होने का मतलब क्या, ज्यादा होने का मतलब सीधी सी बात है, इसका मतलब रेसिस्टेंस इफेक्ट बहुत ज्यादा है, इसका मतलब विस्कस फोर्स बहुत ज्यादा है, विस्कस फोर्स यानी कि फ्रिक्शनल इफेक्ट बहुत ज्यादा है, सीधी सी बात है। इसका ज्यादा होने का मतलब इंटरनल रेसिस्टेंस ज्यादा है, इंटरनल रेसिस्टेंस इफेक्ट ज्यादा है, इसका मतलब विस्कस इफेक्ट ज्यादा है, इसका मतलब फ्रिक्शनल इफेक्ट बहुत ज्यादा है उस VBL में, ठीक है। व्हेन फ्लूइड इज इन रिलेटिव मोशन, व्हेन फ्लूइड इज इन रिलेटिव मोशन, व्हेन फ्लूइड इज इन रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन होगा इसके बीच में इंटरनल रेसिस्टेंस क्रिएट होता है, इंटरनल रेसिस्टेंस होगा, इंटरनल रेसिस्टेंस होगा तो क्या होगा, एक सीयर स्ट्रेस जनरेट होगा, ठीक है। इंटरनल रेसिस्टेंस क्यों जनरेट हो रहा है, फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए, डिफॉर्मेशन को ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए, ठीक है, इंटरनल रेसिस्टेंस जनरेट हो रहा है, ठीक है।
ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्लो और ऑब्स्ट्रक्शन टू डिफॉर्मेशन, जिसके कारण ये होगा एंड दैट वन इज रिटन एज ए इक्वल टू म्यू इनटू डीयू बाय एंड दैट वन इज कॉल्ड एज अ दिस वन। काम खत्म, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब थोड़ा आइए म्यू पे जानकारी और आगे बढ़ाते हैं। म्यू को तो सिंपली प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहा था, उसके बाद मैंने कहा था मैटर टू मैटर सॉरी फ्लूड टू फ्लूड चेंज करेगा, इसके कारण ये इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूड है और विच इज कॉल्ड एज द पैरामीटर टू मेजर द रेसिस्टेंट टू डिफॉर्मेशन और रेसिस्टेंट टू फ्लो। ठीक है, इसके बारे में और जानकारी लेते हैं हम। आइए विल मूव, सबसे पहले थोड़ा सा इसके यूनिट के बारे में देख लेते हैं। एट फर्स्ट वी विल सी एट फर्स्ट यूनिट यूनिट ऑफ म्यू। ठीक है, तो सबसे पहले एसआई यूनिट देखेंगे। वी विल सी एट फर्स्ट एसआई यूनिट। आप खुद देखिए टॉ इज इक्वल टू म्यू इंटू डी टी टा बाई डी टी या फिर म्यू इंटू डी यू बाई डी वाई। तो सीधी सी बात है, इसको लिखिए चाहे इसको लिखिए दोनों सेम है। ठीक है ना, हालांकि कैलकुलेशन के लिए हम ये यूटिलाइज करेंगे। मैंने कहा कि डी यू मतलब वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी या वेलोसिटी क्या होगा मीटर पर सेकेंड, और डी वाई लेंथ यानी कि मीटर, मीटर मीटर कैंसल आउट यानी कि इसका जो होगा वन बाई सेकेंड। ठीक है, और सीयर स्ट्रेस को तो सभी लोग जानते हो, दैट वन इज डिनोटेड एज पास्कल, दैट वन इज डिनोटेड एज पास्कल मेगा पास्कल, जैसा आपका वो है वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग हम इसे, बहुत बड़ा वैल्यू है तो उसे मेगा पास्कल में कन्वर्ट कर देते हैं, बहुत बड़ा वैल्यू है तो एटीएम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत बड़ा वैल्यू है तो आपका बार में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, अदरवाइज छोटा वैल्यू है तो पास्कल में ही रहने देते हो, बट द एसआई यूनिट इज एक्चुअली द पास्कल, एसआई यूनिट इज पास्कल और यहां पे ये वन बाई सेकेंड। तो क्या हो गया म्यू पास्कल और ये सेकेंड मल्टीप्लाई हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू द यूनिट ऑफ म्यू इज इक्वल टू पास्कल सेकेंड, पास्कल सेकेंड, दैट वन इज द एसआई यूनिट पास्कल सेकेंड, पास्कल सेकेंड। और देखिए इसका एक और यूनिट लिखा जाता है जनरली, एक और यूनिट आपके क्वेश्चन में समटाइम्स आ सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, उस यूनिट को लिख रहा हूं मैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। पास्कल का मतलब व्हाट इज दैट मीनिंग, पास्कल का मतलब देखिए थोड़ा ध्यान से, व्हाट इज दैट मीनिंग, फोर्स पर यूनिट एरिया, पास्कल का मतलब यही फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट, फोर्स पर यूनिट एरिया इनटू द सेकेंड। ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया इनटू द सेकेंड, ध्यान से देखते जाइएगा। अब फोर्स का यूनिट एम इनटू ए, केजी इनटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यू नो वेरी वेल फोर्स का यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड, अरे एम इनटू एक्सेलरेशन, एम इनटू एक्सेलरेशन बाय एरिया क्या आपका, दैट वन इज मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड, ये मीटर मीटर कैंसिल आउट, ये पर सेकेंड स्क्वायर है, तो ये पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब कहां आएगा, यहां पे आएगा सेकेंड स्क्वायर, ये कैंसिल और क्या बचा आपके पास, दैट वन इज द केजी, केजी पर मीटर पर सेकेंड, दिस वन इज एग्जैक्टली कॉल्ड एज द सेकेंड यूनिट। ये भी आपका एसआई यूनिट ही है, एक यूनिट ये भी यूटिलाइज होता है, एक यूनिट म्यू का सर्टेन वैल्यू देगा और बोलेगा केजी पर मीटर पर सेकेंड, केजी पर मीटर पर सेकेंड। तो देखिए, और साथ ही साथ इसका अगर डायमेंशन लिखना चाहे, आई वॉन्ट टू राइट डाउन द डायमेंशन ऑफ दैट म्यू, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो यार, इसको तो एम से डिनोट करते हैं मास को, इसे लेंथ है, मीटर इज लेंथ, तो एम एल माइनस वन हो जाएगा और टी माइनस वन हो जाएगा, यू कैन इजिली अंडरस्टैंड दैट वन इज एम एल माइनस वन टी माइनस वन, दिस वन इज योर दिस यूनिट और दिस यूनिट। अब अगला चलते हैं सीजीएस यूनिट, विल मूव टू द सीजीएस, विल मूव टू द सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट का मतलब That one is the gram. किसमें convert हो गए हो जाएगा one kg meter second या one pascal second या क्या कह सकते हो one pascal second। अगर CZS unit में इसे convert करें तो क्या बनेगा आपका, CZS unit में convert करें तो 1000 gram बनेगा, 1000 gram बनेगा। ठीक है, मीटर को क्या करेंगे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो सेंटीमीटर, और सीजीएस यूनिट में सेकंड तो एज यूजुअल, ये जो यूनिट है ना दैट वन इज कॉल्ड एज द पॉइज, ये जो यूनिट है ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकंड इज एग्जैक्टली कॉल्ड एज द पॉइज,
ग्राम पर सेकेंड, यानी कि 1 पास्कल सेकेंड इज कॉल्ड एज द 10 पॉइस। देखिए कन्वर्जन यूनिट, साथ ही साथ ये भी जान ली है कि सीजीएस यूनिट क्या होता है, ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकेंड, दैट वन इज कॉल्ड एज अ पॉइस, दैट वन इज कॉल्ड एज अ पॉइस। और ये भी कन्वर्जन यूनिट भी जान ली है, कन्वर्जन भी जान ली है कि 1 पास्कल सेकेंड इज इक्वल टू 10 पॉइस। 1 पास्कल सेकेंड, 1 पास्कल सेकेंड इज कॉल्ड एज अ 10 पॉइस। 1 पास्कल सेकेंड इज कॉल्ड एज अ 10 पॉइस। समटाइम्स आपके क्वेश्चन में सेंटीपॉइस दिया होता है, समटाइम्स आपके क्वेश्चन में सेंटीपॉइस दिया होता है, समटाइम्स आपके क्वेश्चन में सेंटीपॉइस दिया होता है। तो एक बार ध्यान रखिएगा, किन सेंटीपॉइस इज इक्वल टू, किन सेंटीपॉइस इज इक्वल टू 1 पॉइस, इस बात का ध्यान रखिएगा, यानी कि 1 पॉइस में कितना सेंटीपॉइस हो जाएगा, दैट वन इज कॉल्ड एज द, ठीक है, दिस वन इज कॉल्ड एज द 10 सेंटीपॉइस इज इक्वल टू 1 पॉइस। 10 सेंटीपॉइस इज कॉल्ड एज अ 1 पॉइस। जनरली कन्वर्जन यूनिट भी हो गया 1 पास्कल सेकेंड 10 पॉइस। मैंने कहा कि समटाइम्स आपके क्वेश्चन में सेंटीपॉइस, मैंने कहा कि समटाइम्स आपके क्वेश्चन में सेंटीपॉइस दिया रहता है। अब इसका कन्वर्जन कैसे होगा, दैट वन सिंपली द 100 सेंटीपॉइस, 100 सेंटीपॉइस इज इक्वल टू, 100 सेंटीपॉइस इज इक्वल टू 1 पॉइस। 100 सेंटीपॉइस इज इक्वल टू 1 पॉइस, यानी कि 1 सेंटीपॉइस मतलब, 1 सेंटीपॉइस मतलब ध्यान दीजिएगा 0.01 पॉइस, सिंपली दैट वन इज योर, ठीक है, 1 सेंटीपॉइस इज इक्वल टू 0.01 पॉइस, ठीक है, 0.01 पॉइस। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, दिस वन इज योर कंप्लीट सीजीएस यूनिट। आगे बढ़ेंगे आप म्यू पे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। मैंने कहा सबसे पहली चीज आप देखेंगे कि व्हाट इज एग्जैक्टली द रीजन ऑफ म्यू, व्हाट इज एग्जैक्टली द रीजन ऑफ म्यू, ठीक है, व्हाट इज एग्जैक्टली द रीजन ऑफ म्यू एंड इट्स वेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, एंड इट्स वेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू, एंड इट्स वेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू, एंड इट्स वेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, एंड इट्स वेरिएशन रीजन ऑफ म्यू एंड इट्स वेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है, इट्स वेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू म्यू, ठीक है, म्यू। आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है, आगे बढ़ते हैं ना। सबसे पहले किसके लिए, लिक्विड के लिए, सबसे पहले फ्लूड में तो दो ही आएंगे, सीधी सी बात है, लिक्विड एंड गैसेस, तो सबसे पहले देखेंगे हम लिक्विड के लिए, ठीक है। अब लिक्विड में म्यू क्यों, व्हाई देयर विल बी द म्यू, म्यू का मतलब विस्कोसिटी, व्हाई देयर विल बी द म्यू एंड इन द लिक्विड। फ्लूड में ही होगा तो लिक्विड और गैस नहीं होगा, सॉलिड में तो ये होने वाला नहीं है, इसका इंटरनल प्रॉपर्टी सॉलिड में होने वाला नहीं है। तो लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में रीजन क्या है म्यू का भाई, तो इन लिक्विड द रीजन ऑफ म्यू बेसिकली द कोहेसिव नेचर ऑफ फोर्स, कोहेसिव नेचर ऑफ फोर्स, और यू कैन से इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ
attraction, intermolecular force of attraction, intermolecular force of attraction. ठीक है. In liquid, the reason of mu is basically cohesive nature of force or intermolecular force of attraction. जब liquid की बात करेंगे, तो क्या होता है कि जब relative motion आप देते हो, जब relative motion देते हो, तो इनके बीच आपका जो आपका इंटरैक्टिव फोर्स होता है, अट्रैक्टिव जो फोर्स होता है, उसके कारण इनके बीच क्या होता है, आपका रेसिस्टेंस क्रिएट होता है. ये जब आगे की ओर बढ़ने की कोशिश करेगा, तो मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल क्या होगा, आपका एक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होगा. और यू कैन से सिंपली द कोहेसिव नेचर ऑफ फोर्स, और यू कैन से सिंपली द अट्रैक्टिव नेचर ऑफ फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. जब ये मॉलिक्यूल्स आपस में सेपरेट करने की कोशिश करेंगे, तो इनके बीच एक अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट होगा, और अट्रैक्टिव फोर्स के कारण क्या होगा, ये इसके फ्लो को रेसिस्ट करेगा. क्योंकि अपर लेयर में भी मेनली क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं, अपर लेयर्स में भी मॉलिक्यूल्स हैं और लोअर लेयर में भी मॉलिक्यूल्स हैं. आप जानते हो कि इनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होता है, बहुत ही लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत ही कम होता है कंपेयर टू द गैसेस, बहुत ही कम होता है. तो इसमें अट्रैक्टिव नेचर ऑफ फोर्स क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है. जब अट्रैक्टिव नेचर ऑफ फोर्सेस बहुत ज्यादा होता है, तो जब ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के रेस्पेक्ट में डिफॉर्म होना चाहते हैं, यानी कि इनके रिलेटिव पोजीशंस, इन मॉलिक्यूल्स के रिलेटिव पोजीशंस चेंज होना चाहते हैं, तो इनमें क्या होता है, एक अट्रैक्टिव फोर्सेस कोहेसिव नेचर ऑफ फोर्सेस या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन्हें इनके सेपरेशन को प्रिवेंट करता है, इनके सेपरेशन को क्या करता है, अपोज करता है. ठीक है, अपोज करता है. एज अ रिजल्ट यहां पे क्या जनरेट होता है, आपका विस्कोसिटी जनरेट होता है. एज अ रिजल्ट आपका यहां पे क्या जनरेट होता है, देयर विल बी द विस्कोसिटी जनरेट होता है. ठीक है, देयर विल बी विस्कोसिटी जनरेट होता है. चलिए आगे बढ़ते हैं. देयर विल बी विस्कोसिटी जनरेटेड इन लिक्विड. द रीजन ऑफ म्यू इज बेसिकली द कोहेसिव नेचर ऑफ फोर्स. बेसिकली द रीजन ऑफ म्यू इज बेसिकली ड्यू टू कोहेसिव नेचर ऑफ फोर्सेस, और यू कैन से इंटरक्टिव इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है, अगर आप क्या करेंगे, इफ यू वॉन्ट टू इंक्रीज द टेम्परेचर. सब लोग समझ रहे हो यार, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा, जिसके कारण म्यू डोमिनेशन तो यही है ना. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा और जिसके कारण म्यू क्या होगा डिक्रीज होगा. क्लियर है ये बात, जिसके कारण म्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा. आइए गैसेस की बात करते हैं. देखिए गैसेस में तो आप भी जानते हो ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. यू नो वेरी वेल इन द गैसेस देयर विल बी नेग्लेजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. फिर भी इसमें म्यू का एग्जिस्टेंस होता है. आप कैसे होता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड. इसे थोड़ा सा समझना पड़ेगा. ठीक है ना, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं कि एक आदमी है जिसका मूवमेंट है, रोड में किसी तरीके का प्रॉब्लम नहीं, रोड बहुत ही इजी स्मूथ है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इजी मूव कर रहा है. लेकिन देवल भी इसे एक क्राउड से पास करना है, और क्राउड क्या होता है, बहुत ही रैंडम होता है. क्राउड से पास करना है, और यू नो वेरी वेल क्राउड क्या होता है, बहुत ही रैंडम होता है. ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस गैसेस के बारे में समझाने की कोशिश कर रहा हूं. ठीक है, और क्राउड में एक दूसरे से किसी को मतलब भी नहीं है. अगर रैंडम क्राउड है तो एक दूसरे से किसी को मतलब भी नहीं है. एक दूसरे से किसी को मतलब नहीं होने का मतलब द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी नेग्लिजिबल. और इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना होने के कारण क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना होने के कारण ये क्राउड कंप्लीटली रैंडम होता है. मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करना शुरू करते हैं. दैट क्राउड इज रिप्रेजेंटेड एज द मॉलिक्यूल्स, गैसेस मॉलिक्यूल्स.
ना होने के कारण, एक दूसरे से मतलब ना होने के कारण मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, रैंडमली मूव करना शुरू करते हैं, और रैंडमली मूव करने के कारण क्या होते हैं, लगातार एक दूसरे से कोलाइड करते रहते हैं, लगातार एक दूसरे से क्या करते हैं, कोलाइड करते रहते हैं, दैट वन इज कॉल्ड एज अ मॉलिक्यूलर एजिटेशन कहते हैं, दैट वन इज कॉल्ड एज द मॉलिक्यूलर एजिटेशन, और यू कैन से केटिक मोशन, ठीक है ना, केटिक मोशन कहते हैं, ठीक है, केस मतलब एक्चुअली कोलाहल होता है, ठीक है ना, केटिक मोशन कहते हैं। तो मैंने कहा ये एक आदमी है, ये एक क्राउड से मूव, क्राउड कंप्लीटली रैंडम है, जब ये मूव करेगा तो पता चलेगा कभी इससे टकराएगा कभी इससे, रैंडमनेस के कारण, क्राउड के रैंडमनेस के कारण, ठीक है, कभी इससे टकराएगा कभी इससे टकराएगा कभी इससे कभी इससे कभी इससे कभी इससे कभी इससे, दैट वन इज, जिसके कारण इसके फ्लो में क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होगा, जिसके कारण इसके फ्लो में क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होगा। ये रोड तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन ये क्राउड का रैंडमनेस एक्चुअली इसके फ्लो में क्या कर रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा है, जिसके कारण इन द सेम वे मॉलिक्यूल, एक थोड़ा ध्यान दीजिए, एक मॉलिक्यूल है, और मॉलिक्यूल आपको विजुअलाइज करना होगा थोड़ा सा, एक मॉलिक्यूल है और आगे एक कंप्लीटली रैंडम मॉलिक्यूलर क्राउड है। अब पता चल रहा है कि ये मूव कर रहा है, कभी इससे टकरा रहा है 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 कभी इससे टकरा रहा है, जिसके कारण इसके फ्लो में क्या हो रहा है आपका, देयर विल बी द ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो, ठीक है ना, ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो, दैट टाइप ऑफ मोशन समटाइम्स कॉल्ड एज द मॉलिक्यूलर एजिटेशन तो कहते ही है, रैंडम मोशन तो कहते ही है, समटाइम्स ऑल्सो कॉल्ड एज द ब्राउनियन मोशन, आप लोग कहते हो जिसे ब्राउनियन मोशन, और समटाइम्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ ड्रंकन मोशन, समटाइम्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ ड्रंकन मोशन, ऐसा लगेगा कि नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि किस तरीके से ड्रंकन मोशन वो मूव कर रहा है। तो मैंने कहा म्यू आपका इन द गैसेस इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, बट फिर भी म्यू एग्जिस्ट करेगा इन गैसेस। द रीजन ऑफ म्यू इज बेसिकली ड्यू टू मॉलिक्यूलर एजिटेशन, दैट इज रैपिड कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स because of its random motion, आपस में ही इतना कोलाइड करते हैं उस कोलिजन के कारण, यहाँ पे कोई अट्रैक्शन फोर्स का कोई मोड नहीं है, यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स तो है ही नहीं, लेकिन आपस में ही इतना कोलाइड करते हैं कि उनके फ्लो के मूवमेंट में क्या होता है, और म्यू का एग्जिस्टेंस होता है, और म्यू का यहाँ पे एग्जिस्टेंस होता है, ठीक है, म्यू का यहाँ पे एग्जिस्टेंस होता है, दैट बी। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। नाउ ये बात अलग है, एक चीज और बता दूं कि ये बात अलग है कि लिक्विड का आपका क्या होता है, म्यू काफी ज्यादा होता है रिस्पेक्टिवली द गैसेस, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल है, जितना भी आपका फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो रहा है, दैट इज ड्यू टू द मॉलिक्यूलर एजिटेशन, इसके अलावा तो कुछ नहीं, जिसके कारण यहाँ पे लिक्विड के रिस्पेक्ट में आपका क्या है, म्यू ऑफ द गैसेस आपका द सेम एज टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, यहाँ पे तो मैंने कहा टी इंक्रीज होगा दो मॉलिक्यूल के बीच, डिस्टेंस आपका बढ़ेगा, अट्रैक्टिव फोर्स आपका क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स घटेगा, जिसके कारण म्यू क्या होगा आपका, डिक्रीज करेगा, ठीक है ना, म्यू आपका क्या होगा, डिक्रीज करेगा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं क्या करूं कि टी को इंक्रीज करूं, टी को जब इंक्रीज करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, मॉलिक्यूलर एजिटेशन बढ़ेगा, जिसके कारण म्यू आपका इंक्रीज होगा। एक दूसरे तरीके से भी हम इसे समझ सकते हैं, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो यहाँ पे तो मॉलिक्यूलर एजिटेशन क्या होगा, बढ़ेगा,
अरे भैया मेरे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से मतलब ही नहीं है, तो टेम्परेचर बढ़ा भी दोगे तो क्या, जहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो ऑब्वियस। मैंने कहा कि पहले से ही नहीं है, टेम्परेचर बढ़ा के भी आपने क्या किया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मॉलिक्यूलर एजिटेशन पे फर्क पड़ गया। मॉलिक्यूलर क्या होगा, और ज्यादा रैंडम हो जाएंगे और ज्यादा कोलिजन हो जाएगा, और जिसके कारण म्यू क्या होगा आपका, इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। जहां पे पहले ही से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का टेम्परेचर बढ़ाओ घटाओ कोई मतलब है ही नहीं, तो क्या होगा आपका, मॉलिक्यूलर एजिटेशन बढ़ेगा और म्यू का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा। इसे एक तरीके से और समझेंगे कि टेम्परेचर बढ़ाने के बाद क्या होगा एक्चुअली, ठीक है ना। समटाइम्स मैथमेटिकल रिलेशन आ जाते हैं, ठीक है, तो आई एम गोइंग टू इसे इरेज कर रहा हूं, इसे इरेज कर रहा हूं। मैंने कहा कि होता क्या है कि जनरली गैसेस के लिए बात कर रहा हूं मैं, यू नो वेरी वेल दैट वन इज थोड़ा बहुत अगर आप प्लस वन प्लस टू के फ्लैशबैक में जाएं तो आरएमएस स्पीड पढ़ा होगा, और दैट वन इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ कोलाइडिंग स्पीड, कोलाइडिंग, दैट वन इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ कोलाइडिंग स्पीड, जो कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के थ्रू आया था, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के थ्रू आया था, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के थ्रू आया था। मैंने कहा यू नो वेरी वेल इस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के अकॉर्डिंग, यू नो वेरी वेल दैट थ्री आर बार टी बाई एम, इस आर बार को कहते हैं, ऑलरेडी बता चुका हूं जब बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बता रहा था, इस आर बार को कहते हैं यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, और इस एम को क्या कहते हैं, दैट वन इज एग्जैक्टली कॉल्ड एज द मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। और याद होगा कि इसी का रेशियो क्या बन गया था, गैस कांस्टेंट बन गया था, प्रीवियस क्लास में याद करिएगा, अगर इस किसी को नहीं याद होगा यू कैन रेफर द प्रीवियस क्लासेस, ठीक है, यू कैन रेफर द प्रीवियस क्लास। 3R बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के टाइम बताया था मैंने, 3R बार T by M, R बार इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, कैपिटल M इज मोलर मास, और इसी का रेशियो क्या बन गया था, इसी का रेशियो बन गया था आपका आर बार बाई एम इज इक्वल टू आर, दैट इज कॉल्ड एज अ गैस कॉन्स्टेंट, गैस कॉन्स्टेंट और गैस कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, इसी का रेशियो बन गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे, दैट वन इज आर बार टी, यू कैन इजिली अंडरस्टैंड कि एज यू इंक्रीज द टी आर एम एस स्पीड इंक्रीजेज और द कोलाइडिंग स्पीड इंक्रीजेज एज द म्यू, एज द म्यू If you increase the T, C bar also increases, as a result mu also increases. That's why इसका मतलब साफ है कि mu generally directly proportional to the C है, और C directly proportional to square root of T है. In generally इसीलिए हम लिखते हैं gases के लिए, ठीक है, gases के लिए in generally that one is mu is directly proportional to what we can write down mu of the gases directly proportional to root under T, square root of T. मैंने कहा ध्यान दीजिएगा, म्यू किस पे बेस्ड, सी पे बेस्ड, और सी किस पे बेस्ड, स्क्वायर रूट ऑफ टी पे बेस्ड, दैट्स व्हाई व्हाट वी कैन राइट फॉर द गैसेस, रिटन फॉर द गैसेस, द म्यू गैसेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टी, मतलब सीधी सी बात है इसके अकॉर्डिंग आपका चेंज होगा, अगर टी बढ़ेगा म्यू ऑफ द गैसेस भी क्या होगा आपका, इंक्रीज करेगा, टी घटेगा म्यू ऑफ द गैसेस भी डिक्रीज करेगा, ठीक है। चलिए चलिए ना, ये ध्यान रखिएगा, ये रिलेशन आगे ये फिर यूटिलाइज होगा, आगे फिर यूटिलाइज होगा, तो ये हो गया आपका भाई रीजन ऑफ विस्कोसिटी, रीजन ऑफ म्यू एंड इट्स वेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, एंड इट्स वेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, इट्स वेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, इट्स वेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, इट्स वेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, सारा कुछ बता दिया मैंने इसके बारे में, ठीक है। अब एक छोटा सा चीज और डिस्कस कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखिएगा, अभी और डिस्कस करना है इसके बारे में, लेकिन पहले एक छोटा सा और यहां पे फिजिकल क्वांटिटी डिस्कस करूंगा, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ठीक है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ठीक है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, काइनेमेटिक विस्कोसिटी की बात करें तो
जनरली इसका एक सर्टन फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है, बट फ्लूड में बहुत ज्यादा इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसका एक फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है, इसको एक चीज और कहते हैं, बस इतना जान लीजिए, बट मैंने कहा कि फ्लूड में इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस की जरूरत नहीं है, ज्यादा टेंशन मत लीजिए। ठीक है, डिफ्यूजिविटी, मॉलिक्यूलर डिफ्यूजिविटी, समटाइम्स ऑल्सो कॉल्ड एज द मॉलिक्यूलर डिफ्यूजिविटी, सॉरी मोमेंटम डिफ्यूजिविटी, मोमेंटम डिफ्यूजिविटी, और समटाइम्स ऑल्सो कॉल्ड एज द मॉलिक्यूलर डिफ्यूजिविटी ऑफ मोमेंटम, समटाइम्स ऑल्सो कॉल्ड एज द मॉलिक्यूलर डिफ्यूजिविटी ऑफ मोमेंटम, समटाइम्स ऑल्सो कॉल्ड एज द मॉलिक्यूलर डिफ्यूजिविटी ऑफ मोमेंटम। ठीक है ना, डोंट वरी, मैंने कहा कि ये इतना जान लीजिए कि ये इसका कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंस अपने आप में है, लेकिन फ्लूड मैकेनिक्स में इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस की जरूरत नहीं है, थ्रू आउट कहीं जरूरत नहीं है। फ्लूड मैकेनिक्स में बस हम एक चीज जानने के लिए इस मॉलिक्यूलर डिफ्यूजिविटी को यूटिलाइज करते हैं। ठीक है ना, सिर्फ एक चीज जानने के लिए मॉलिक्यूलर डिफ्यूजिविटी को यूटिलाइज करते हैं, और इसका फ्लूड मैकेनिक्स में जनरली इस तरीके से लिखते हैं, इन फ्लूड मैकेनिक्स द टर्म म्यू बाय रो। ठीक है ना, म्यू बाय रो इज फ्रीक्वेंटली अपीयर्ड, दैट्स वाई फॉर आर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी और सेक ऑफ कन्वीनियंस भी लिख सकते हो, सिंप्लिसिटी, सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, इट इज कॉल्ड एज काइनेमेटिक विस्कोसिटी, न्यू इज इक्वल टू म्यू बाई रो। इसका क्या बताया था मैंने, kg per meter per second। ठीक है, kg per meter per second, और रो का यू नो वेरी वेल, रो इज द डेंसिटी। इसका क्या होता है, kg per meter cube। नाउ मीटर एंड मीटर यहां से कैंसल आउट, और केजी कैंसल आउट, क्या बचेगा, m² per second, दैट इज कॉल्ड द m² per second, दैट इज द सीजीएस यूनिट, दैट इज द सीजीएस यूनिट। और डायमेंशन क्या हो जाएगा, L2T-1। ध्यान दीजिएगा, कई बार जनरली स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं LT-2 और L2T-1 में। ठीक है, कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं L2T-1 और LT-2 में। ध्यान दीजिएगा, दिस इज द एक्सेलरेशन, बट न्यू इज L2T-1, दिस इज एक्सेलरेशन एक्चुअली, ये आपका न्यू नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें LT-2 और L2T-1 में, दिस इज एक्सेलरेशन एंड दैट वन इज द, ये आप हटा दीजिए, तो कंफ्यूज, ये बात बता दिया मैंने कि ये चीज आपके दिमाग में रहेगा। ठीक है, नाउ दिस वन इज द L2T-1, दिस इज द सीजीएस यूनिट, सॉरी SI यूनिट। सीजीएस यूनिट की बात करें, तो 1 m² per second, दैट वन इज, अगर इसे किसमें कन्वर्ट करें, 10 to the power 4। ठीक है, 10 to the power 4 मीटर स्क्वायर को कन्वर्ट कर दिया सेंटीमीटर स्क्वायर में, एंड दैट वन इज द सेकंड सीजीएस यूनिट में, सेकंड टू सेकंड ही रहेगा, दिस इज एग्जैक्टली द सीजीएस यूनिट, सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, बट इसे क्या कहते हैं, दैट वन इज कॉल्ड एज द स्टोक्स, दैट वन इज सीजीएस यूनिट, जहां जैसे म्यू में आपका पॉइज था उसे इसे कहते हैं, दैट वन इज कॉल्ड एज द स्टोक्स, एंड 1 m² per second इज इक्वल टू 10 to the power 4 स्टोक्स, और यहीं पे आपका क्या होगा, सेंटी स्टोक्स होगा, अगेन आपका सेंटी स्टोक्स होगा, और 100 सेंटी स्टोक्स इज इक्वल टू 1 स्टोक्स। ठीक है, 1 स्टोक्स, हाँ ठीक है,
That one is 1 Stokes, centi Stokes. This is exactly the CZS unit of kinematic viscosity. अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, चाहे गैसेस की बात करें चाहे लिक्विड की बात करें, चाहे गैसेस की बात करें चाहे लिक्विड की बात करें, तो म्यू के अकॉर्डिंग, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग म्यू भी क्या होगा आपका, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग म्यू भी चेंज हो रहा है लिक्विड चाहे गैस दोनों के लिए, और आपका रो भी क्या हो रहा है, रो भी आप जानते हो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग क्या होता है, ऑलरेडी शुरू में ही बता चुका हूं कि प्रेशर और टेम्परेचर दोनों पे, लेकिन लिक्विड के लिए आपका प्रेशर पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन टेम्परेचर पे लिक्विड का भी आपका थोड़ा बहुत इफेक्ट होता है, बहुत ज्यादा तो नहीं बट स्टिल देयर विल बी सम इफेक्ट, ठीक है ना, थोड़ा इफेक्ट होता है, और डेंसिटी आपका टेम्परेचर चेंज करने के कारण, तो ऑब्वियस न्यू में भी क्या होगा, न्यू में भी आपका चेंज लिक्विड के लिए, न्यू ऑल्सो वैरीज विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर फॉर लिक्विड एज वेल एज फॉर द गैसेस. अब कैसे होता है वो हम बाद में देखेंगे, डोंट वरी, ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे एक ही जगह सिंपल, क्योंकि मेन बात है इस पे एक क्वेश्चन बताना है, इसलिए जानबूझ के मैं इसे यहीं पे छोड़ रहा हूं, अपने आप आगे समझ जाओगे, ठीक है ना, उसी क्वेश्चन में बता दूंगा कि लिक्विड के लिए भी कैसे वैरी करता है, उसी क्वेश्चन में बता दूंगा कि लिक्विड, इस पे क्वेश्चन एक बताऊंगा क्वेश्चन में अपने आप आपको समझ में आ जाएगा, सो डोंट वरी. मैंने कहा न्यू ऑल्सो वैरीज विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर फॉर लिक्विड एज वेल एज फॉर द गैसेस, ये बात ध्यान रखिएगा. मैंने कहा जब क्वेश्चन आएगा तो गैसेस के लिए एक्चुअली क्वेश्चन है, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा टेम्परेचर बढ़ाने घटाने से न्यू में क्या होगा, और वहीं पे लिक्विड के लिए भी बता दूंगा कि लिक्विड के साथ क्या होता है, व्हाट हैपन विद द लिक्विड एज वेल, ठीक है, सो डोंट वरी प्लीज, ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा, काइनेमेटिक विस्कोसिटी का काम खत्म. न्यू से डिनोट करते हैं, दैट मींस कॉल्ड एज अ न्यू, न्यू न्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है, देखिए न्यू से डिनोट करते हैं न्यू से डिनोट करते हैं आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, वेरिएशन ऑफ म्यू, देखिए एक्सटर्नल फैक्टर बेसिकली दो तरीके के होते हैं, एक तो प्रेशर, ऑलरेडी शुरू में ही बताया था जब डेंसिटी बताया था मैंने, एक तो प्रेशर और दूसरा टेम्परेचर, तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग तो म्यू का वेरिएशन देख लिए हैं, अब क्या देखना हमें, एक छोटा सा बच गया है प्रेशर, तो प्रेशर के ऊपर भी देख लेते हैं, ठीक है, ताकि आप पार्शियलिटी टाइप की कुछ ना लगे, दोनों क्या करेंगे, दोनों एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर वेरिएशन देख लेंगे, तो वेरिएशन ऑफ म्यू विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर, ध्यान दीजिएगा प्लीज, ऑलरेडी गैसेस के लिए रूट अंडर टी बता दिया मैंने, ये ध्यान दीजिएगा सब कुछ, विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर. अब आइए एक लिक्विड की बात करेंगे, ऑलरेडी लिक्विड के बारे में पढ़ चुके हैं हम, ध्यान दीजिएगा, ऑलरेडी लिक्विड के बारे में हम पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं कि लिक्विड इज हाईली इनकम्प्रेसिबल इन नेचर. आपको याद होगा मैंने बताया था कि फॉर आवर इंजीनियरिंग कैलकुलेशन लिक्विड इज टेकन टू बी हाईली इनकम्प्रेसिबल इन नेचर बिकॉज देयर विल बी नो एनी अनिग्लिजिबल चेंज इन द डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू लार्ज प्रेशर चेंज के लिए निग्लिजिबली स्मॉल. मैंने कहा कि लिक्विड इज हाईली इनकम्प्रेसिबल इन नेचर, जब लिक्विड हाईली इनकम्प्रेसिबल इन नेचर है तो दो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस के बीच कोई बहुत ज्यादा, अरे इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस चेंज करेगा तभी तो डेंसिटी कम होगा या ज्यादा होगा, दो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस के बीच आपका कोई चेंज होने वाला नहीं है, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में भी आपका कोई चेंज होने वाला नहीं है, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में भी कोई चेंज होने वाला नहीं है, लिक्विड इज हाईली इनकम्प्रेसिबल इन नेचर, सो हाईली इनकम्प्रेसिबल इन नेचर, सो there will be no any, or you can say, so there will be
इफेक्ट ऑन द म्यू म्यू ऑफ लिक्विड लिख दे रहा हूं यहां पे, इट विल बी बेटर. इफेक्ट ऑफ द म्यू इफेक्ट ऑन द म्यू इज नेग्लिजिबली स्मॉल स्मॉल विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर that can be neglected for our engineering calculation, that with respect to pressure that can be neglected for our engineering calculation. अपने engineering calculation के लिए क्या कर सकते हैं हम, इसे again neglect कर सकते हैं. pressure का कोई effect नहीं है आपके mu पे, यानी कि numerical purpose से कुछ नहीं लेके चलना है आपको mu में, किसी तरीके का effect लेके नहीं चलना है mu of the liquid में. आइए gases, लेकिन gases तो भैया highly incompressible in nature. ठीक है, थोड़ा सा भी प्रेशर चेंज किए डेंसिटी में क्या हो गया आपका, चेंज हो गया, यू नो वेरी वेल. लेकिन बात यह है कि गैसेस की बात करें तो गैसेस में मेनली आपका म्यू क्यों, द रीजन ऑफ म्यू क्यों, दैट इज बिकॉज ऑफ दैट कोलाइडिंग स्पीड. ध्यान देते जाइएगा, आरएमएस स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड और कोलाइडिंग स्पीड इसी रीजन के कारण ना, दैट वन इज 3R/T by capital N, 3R/T by capital N. मैंने कहा इसे थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप, मैंने कहा कि इसे क्या लिख सकते हैं, 3PV, P and volume, V is volume, P is pressure, V is volume, ठीक है ना, by small m. ये आपका यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, ये आपका मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास, ये आपका क्या, दैट वन इज प्रेशर, ये आपका एक्चुअल मास ऑफ द गैसेस, और ये आपका वॉल्यूम, ये इनटू है, टेंशन मत लीजिएगा, ये मत सोचिएगा डेसिमल वगैरह कहां से आ गया. अब ये आप देख रहे हो पी आप इंक्रीज करोगे, अगर पी इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, सी बढ़ेगा, पी इंक्रीज करोगे तो, और एज अ रिजल्ट आपका म्यू क्या होगा, म्यू आपका बढ़ना चाहिए, सीधी सी बात है. पी घटेगा तो आपका सी क्या होगा घटेगा, और म्यू भी क्या होना चाहिए, घटना चाहिए, म्यू भी आपका क्या होना चाहिए, घटना चाहिए. बट दैट इज आपकी सोच से कंप्लीटली अपोजिट टू योर थिंकिंग. ऐसा कुछ होने वाला नहीं है कंप्लीटली. यहां पे ये बात ध्यान दीजिएगा ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, टेंशन मत लीजिए. सारा रीजन समझाऊंगा मैं, एक एक रीजन समझाऊंगा मैं यहां पे, ठीक है ना, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है. तो सबसे पहली चीज बात करते हैं कि आखिर क्यों. तो मैंने कहा कि ये कॉन्सेप्ट कहां से आया है, दैट कॉन्सेप्ट कम्स फ्रॉम द काइनेमेटिक थ्योरी ऑफ गैस, काइनेमेटिक थ्योरी ऑफ गैस है. और ये जनरली यूटिलाइज किसके लिए किया जाता है, काइनेमेटिक थ्योरी ऑफ गैस ये किसके लिए यूटिलाइज किया जाता है, आइडियल गैस के लिए. हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैस के लिए यूटिलाइज किया जाता है. आइडियल गैस बिहेवियर अगर चेंज हुआ, आइडियल गैस बिहेवियर से अगर डेविएट हुआ, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस फेल हो जाता है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस यूटिलाइज नहीं करते हैं. टेंशन मत लीजिए, फ्लैशबैक में चलेंगे और जितनी चीजों का रिक्वायरमेंट है उतनी चीजें तो हम जरूर समझेंगे, डोंट वरी. मैंने कहा किसके लिए यूटिलाइज होता है, आइडियल गैस के लिए. अगर आइडियल गैस बिहेवियर से डेविएशन हुआ, रियल गैस बिहेवियर हुआ, आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस वहीं पे फेल हो जाता है और आप ये आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला एज इट इज आप लगा नहीं सकते हो, ठीक है. ध्यान दीजिएगा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस ये कहता है कि द आरएमएस स्पीड
द आरएमएस स्पीड, और इसी आरएमएस स्पीड पे काइनेटिक एनर्जी भी होता है। तो काइनेटिक एनर्जी की तो बात छोड़िए, हटाइए, सिर्फ आरएमएस स्पीड कहता है, ये है कि आरएमएस स्पीड ऑफ द गैसेस, आरएमएस स्पीड ऑफ द गैसेस वन एंड ओनली डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, वन एंड ओनली डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, वन एंड ओनली डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। इट आपका कोई ऐसे अदर फैक्टर पे अगर टेम्परेचर, चाहे जैसे भी टेम्परेचर चेंज हुआ, अगर टेम्परेचर चेंज हुआ तो सी में चेंज हुआ, अदरवाइज किसी भी अदर इंडिविजुअल फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है, किसी अदर इंडिविजुअल फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है। मैंने कहा दैट वन एंड ऑनली डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, अदरवाइज कोई भी इंडिविजुअल अदर इंडिविजुअल फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है। अब आइए थोड़ा सा समझते हैं, मैंने कहा विथ रेस्पेक्ट टू प्रेशर, अगर इंडिविजुअल इफेक्ट प्रेशर का हमें देखना है, आप भी जानते हो अगर किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर का इंडिविजुअल, किसी भी फैक्टर का इंडिविजुअल इफेक्ट देखना होता है, इंडिविजुअल इफेक्ट देखना होता है, किसी भी पैरामीटर का इंडिविजुअल इफेक्ट देखना होता है, तो अदर पैरामीटर को, अदर फैक्टर्स को क्या करते हैं, अदर फैक्टर्स को हम कॉन्स्टेंट लेके चलते हैं, क्योंकि इसका इंडिविजुअल इफेक्ट हमें देखना है। वी हैव टू सी द इंडिविजुअल इफेक्ट ऑफ द प्रेशर ऑन द म्यू, यानी कि क्या इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर इसमें क्या है, आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है। आप लोगों ने ये रियलाइज नहीं किया, ठीक है ना, आप लोग अगर ये रियलाइज करते तो कोई दिक्कत नहीं होता। मैंने कहा टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, पर यू नो वेरी वेल अगर टी कांस्टेंट है तो अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ द पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, अगर पी बढ़ेगा तो वी घटेगा, पी घटेगा तो V बढ़ेगा, उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट होगा, और दोनों का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यानी कि ये दोनों प्रोडक्ट, अगर ये कांस्टेंट है तो ये प्रोडक्ट भी कांस्टेंट रहने वाला है, एज अ रिजल्ट कोलाइडिंग स्पीड भी कांस्टेंट रहेगा, और C का वैल्यू क्या रहेगा, C का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा एज अ रिजल्ट, ठीक है ना, एज अ रिजल्ट के में किसी तरीके, सॉरी के बोल रहा हूँ, दैट वन इज द म्यू में किसी तरीके का वेरिएशन आने वाला नहीं है, इस म्यू में किसी तरीके का वेरिएशन आने वाला नहीं है, व्हाट इज दैट मीनिंग, इफ यू टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट देयर विल बी नो एनी चेंज इन द सी, एज अ रिजल्ट म्यू does not change, mu also remains constant, लेकिन ये तो हुआ theoretical purpose, लेकिन conceptual purpose थोड़ा सा अलग हो जाएगा, conceptual physical concept थोड़ा सा अलग हो जाएगा, फिजिकल कॉन्सेप्ट अलग हो जाएगा, ताकि आपके इंटरव्यू, जब आपसे इंटरव्यूअर पूछे तो आप उसका क्लियर जवाब दे पाओ। इतना तो अभी मेरे हिसाब से आई थिंक देयर विल बी नो प्रॉब्लम एट ऑल, इतना क्लियर है, लेकिन आगे प्रॉब्लम होने वाला है जब मैं स्टेटमेंट लिखूंगा। टेंशन मत लीजिए, सारी चीजें मैं एक एक करके बताते जाऊंगा, सारी चीजें एक एक करके मैं डिस्कस करते जाऊंगा, सिर्फ ध्यान से आपको सुनना है, Now, what we can say, that one is ideal gas. ध्यान से सुनिए, यहां पे लिखूंगा मैं स्टेटमेंट, आई एम गोइंग टू राइट डाउन स्टेटमेंट, ये लिखूंगा, इवन फॉर द गैसेस म्यू रिमेंस इंडिपेंडेंट ऑफ मीन्स इंडिपेंडेंट ऑफ ऐसा लिख लीजिए इवन फॉर द गैसेस देयर विल बी नो एनी वेरिएशन इन म्यू with respect to moderate pressure
चेंज, कई स्टूडेंट इट मे बी कि जानते हो इस चीज को, कई स्टूडेंट हो सकता है इस चीज को जानते हो, बट ठीक है, बट फिर भी मैं यहां पे डिस्कस करूंगा मॉडरेट प्रेशर चेंज इवन फॉर द गैसेस, देयर विल बी नो एनी वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू इन म्यू विद रिस्पेक्ट टू मॉडरेट प्रेशर चेंज। यहां तो आप अब देखो कंट्राडिक्शन आया, आप समझ रहे होगे कंट्राडिक्शन आया, आप तो यहां पे देख रहे हो कि टी कांस्टेंट होगा, सी कांस्टेंट होगा, म्यू आल्सो रिमेंस कांस्टेंट, यानी कि प्रेशर के ऊपर किसी तरीके का चेंज होने वाला, प्रेशर के ऊपर किसी तरीके का चेंज होने वाला नहीं है, प्रेशर के ऊपर किसी तरीके का चेंज होने वाला नहीं है। यहां पे तो ये देखा हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट देखा, लेकिन जब स्टेटमेंट लिखे तो मॉडरेट प्रेशर चेंज ध्यान दीजिएगा, लेकिन आप जब इंटरव्यू में डिस्कशन करेंगे तो इसी के बेस पे करेंगे, इंटरव्यू में जब आपके साथ डिस्कशन होगा तो उसी के साथ डिस्कशन होगा, मॉडरेट प्रेशर चेंज पे आपका डिस्कशन होगा, ठीक है ना। मैंने कहा इवन फॉर द गैसेस देयर विल बी नो एनी वेरिएशन इन म्यू विद रिस्पेक्ट टू मॉडरेट प्रेशर चेंज, इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है, डोंट वरी दोनों में क्या डिफरेंस है, ये कब यूटिलाइज करेंगे। और मैंने कहा कि जब जनरलाइज कॉन्सेप्ट यूटिलाइज करोगे तो ये यूटिलाइज करोगे, जनरलाइज कॉन्सेप्ट एक्चुअल कॉन्सेप्ट यही है, और इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू हम सारी चीजें समझेंगे। आइए समझते हैं, मैंने कहा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, मैंने कहा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, ठीक है ना, ये सी कहां से आया है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस से आया है, और ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस किसके लिए वैलिड है, आइडियल गैस के लिए भी वैलिड है, अगर आइडियल गैस बिहेवियर से डेविएट करेगा ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा, फेल हो जाएगा, यानी कि सी हम इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना, सी हम इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं, ठीक है यहां पे। और जो ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस दिया गया था मेनली दो एजम्पशन पे बेस्ड दिया गया था, एक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस दिया गया था, एक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस दिया गया था मेनली दो एजम्पशन पे दिया गया था, मेनली दो एजम्पशन पे दिया गया था, इस एजम्पशन को हम समझेंगे, ठीक है। द फर्स्ट वन इज द फोर द मॉलिक द इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नेग्लिजिबल, सिंपली द इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नेग्लिजिबल, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नेग्लिजिबल। दूसरा द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ठीक है, द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर नेग्लेक्टेड विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैसेस, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैसेस, ठीक है। ये मेनली दो एजम्पशन थे जिनके ऊपर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस दिया गया था, ये तो मेरे हिसाब से समझ ही रहे होंगे कि दो मॉलिक्यूल के बीच में किसी तरीके का कोई मतलब नहीं है, किसी तरीके का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है जिसके कारण ये रैंडम मूवमेंट करते रहते हैं, ठीक है ना, किसी तरीके का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है जिसके कारण ये रैंडम एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है इन दोनों को, जिसके कारण ये रैंडम मूवमेंट करते रहते हैं, तो पहले में तो आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरा क्या कह रहा है, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने कहा कि सपोज टू बी एक रूम है, इसे समझेंगे हम, ठीक है, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, बहुत इजी तरीके से समझेंगे, एक रूम है सपोज टू बी, अब मैं बहुत ज्यादा तो बना नहीं सकता, तीन लोग हैं, ठीक है ना, इन तीनों लोगों का इंडिविजुअल वॉल्यूम होगा अपना, इन तीनों लोगों का अपना एक इंडिविजुअल वॉल्यूम होगा, तीनों लोगों का अपना इंडिविजुअल वॉल्यूम होगा, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ मैन,
इज इक्वल टू 3 into, मान लिया सबका वॉल्यूम लगभग, मान लिया फॉर द टाइम बीइंग कि जितने लोग हैं यहाँ पे सबके तीनों लोगों का ऑलमोस्ट वॉल्यूम सेम है, 3 into 3 into इंडिविजुअल वॉल्यूम ऑफ पर्सन, ठीक है, पर्सन, इंडिविजुअल वॉल्यूम ऑफ पर्सन. व्हाट वी कैन से, इसका मतलब ये तो एक्चुअल वॉल्यूम हुआ, लेकिन अगर थोड़ा देखें तो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कितना किया हुआ है, यू कैन रियलाइज जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मेन, दैट वन इज ग्रेटर देन द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ मेन, ठीक है ना. तो ऑक्यूपाई कितना किया हुआ है, ऑक्यूपाई इनके एक्चुअल वॉल्यूम से ज्यादा किया हुआ है, क्योंकि इन दोनों के बीच गैप है. फिर आप देखें तो इन दोनों के बीच भी गैप है सर्टेन, तो वॉल्यूम जो ऑक्यूपाई किया हुआ है इतना ऑक्यूपाई किया है, अपने एक्चुअल वॉल्यूम से ज्यादा ऑक्यूपाई किया है. इट मीन्स व्हाट वी कैन से, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय मेन इज इक्वल टू, सॉरी इक्वल नहीं, ग्रेटर देन वॉल्यूम, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ मेन. दिस वन इज एग्जैक्टली एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ मेन, ठीक है. मैंने कहा एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ मेन 3 into इंडिविजुअल, ये आपका एक्चुअल है. इन द सेम वे गैसियस मॉलिक्यूल्स, ठीक है. मान लीजिए एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो एन इंटू, अब मॉलिक्यूल्स तो इतने छोटे हैं कि लगभग आप ये सबका सेम मॉलिक्यूल्स हैं, सबका वॉल्यूम क्या होगा. मान लीजिए एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, एन इंटू वॉल्यूम ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल, ठीक है ना. ये आपका एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना. बट ऑक्यूपाइड, ये पूरा का पूरा रूम ऑक्यूपाई करके रखे हुए हैं आपके, ठीक है ना. पूरा का पूरा रूम ऑक्यूपाई करके रखे हुए हैं. तो यही कहा गया कि जो एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना, ऑक्यूपाइड वॉल्यूम दैट वन इज क्वाइट लार्जर, इतना लार्जर है कि इसे हम क्या कर सकते हैं अपने कैलकुलेशन के लिए नेग्लेक्ट कर सकते हैं. और इसे नेग्लेक्ट किया गया और तब जाके काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस आया और आइडियल गैस का कंप्लीट एनालिसिस हुआ, ठीक है ना. इसका मतलब क्या, लेकिन और ये कब, लेकिन इन रियल प्रैक्टिस ये दोनों कब होते हैं, यानी कि आइडियल गैस बिहेवियर कब सो होता है इन रियल प्रैक्टिस. कोई भी गैस आइडियल गैस बिहेवियर कब सो करता है, जब आपका प्रेशर क्या हो बहुत ही कम हो, प्रेशर कम हो, और टेम्परेचर क्या हो, ज्यादा हो, यू नो वेरी वेल, तब जाके गैस कैसा बिहेवियर सो करता है, आइडियल गैस बिहेवियर शो करता है, तब जाके आपका आइडियल गैस बिहेवियर शो करता है. अगर बहुत ज्यादा हाई प्रेशर कर दिया आपने, आइडियल गैस बिहेवियर से डेविएशन होता है, और आइडियल गैस बिहेवियर से जब डेविएशन होता है तो रियल गैस बिहेवियर में आता है, और रियल गैस बिहेवियर में ये दोनों चीजें एग्जिस्ट करती हैं. आई थिंक वांडरवाल इक्वेशन फॉर द गैसेस यू नो वेरी वेल. नहीं भी पता होगा तो थोड़ा बहुत अगर याद होगा उतना ही से काम चल जाएगा. तो ये दोनों के दोनों एग्जिस्ट करते हैं आपके किसमें, आपके रियल गैस बिहेवियर में. बहुत ज्यादा प्रेशर होगा, बहुत हाई प्रेशर करोगे, आइडियल गैस बिहेवियर से डेविएशन होगा, और आइडियल गैस बिहेवियर से डेविएशन होगा और इन दोनों चीजों का क्या होगा, एग्जिस्टेंस आएगा. अब थोड़ा ध्यान से सुनना, सारी चीजें हम लोग समझ चुके हैं. मॉडरेट प्रेशर चेंज कहने का मतलब अब क्या, मैंने कहा कि यानी कि जब तक जिस प्रेशर के लिमिट तक के लिए, जिस प्रेशर के रेंज के लिए
हम इस सी को यूटिलाइज कर सकते हैं, यानी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस को यूटिलाइज कर सकते हैं, यानी आइडियल गैस एनालिसिस को यूटिलाइज कर सकते हैं। तब तक तो क्या होगा, आपका प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं आएगा और म्यू क्या रहने वाला है, अगर सी कांस्टेंट होगा तो म्यू क्या रहने वाला है, कांस्टेंट होने वाला। फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैंने कहा आइडियल गैस बिहेवियर वगैरह काइनेटिक थ्योरी और सारा बता दिया कि इन रियल प्रैक्टिस कब होने वाला है आपका आइडियल गैस। मॉडरेट प्रेशर चेंज का मतलब क्या, मैंने कहा ध्यान से सुनिए, यानी कि जिस प्रेशर के रेंज के लिए, जिस प्रेशर के लिमिट के लिए, जिस प्रेशर के लिए आप सी को यूटिलाइज कर सकते हो, सी को यूटिलाइज करने का मतलब क्या, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस को यूटिलाइज कर सकते हो, या फिर कह सको कि आइडियल गैस बिहेवियर को एनालाइज कर सकते, यूटिलाइज कर सकते हैं, आइडियल गैस को के एनालिसिस को यूटिलाइज कर सकते हैं। तब तक तो क्या होगा, प्रेशर चेंज करने पे आपका सी कांस्टेंट रहेगा, और तब तक क्या होगा, उस प्रेशर रेंज के लिए, उस प्रेशर के लिमिट के लिए, उस प्रेशर के लिए जिसके लिए आइडियल गैस बिहेवियर यूटिलाइज कर रहे हो, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस यूटिलाइज कर रहे हो, उस प्रेशर के लिए अगर सी कांस्टेंट होगा तो उस प्रेशर तक के लिए म्यू में भी किसी तरीके का चेंज आने वाला नहीं है, उस प्रेशर तक म्यू में भी किसी तरीके का चेंज आने वाला नहीं है, क्योंकि जब तक आइडियल गैस बिहेवियर रहेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो रहेगा और वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैसेस क्या होगा, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैसेस बहुत ही लार्ज होगा, वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स के रिस्पेक्ट में, निग्लेक्ट कर सकते हैं इसे इसके रिस्पेक्ट में, तो टेंशन मत लीजिए। और उस केस के लिए क्या होगा, उस प्रेशर रेंज के लिए अगर सी कॉन्स्टेंट होगा तो उस प्रेशर रेंज के लिए म्यू भी कांस्टेंट होगा, जिस प्रेशर रेंज के लिए हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस लगा पाए उस प्रेशर रेंज तक गैसेस का म्यू में कोई चेंज होने वाला नहीं है, इसलिए मैंने यहां पे लिखा। लेकिन अगर बहुत ज्यादा हाई प्रेशर किया तो ऑब्वियस आइडियल गैस बिहेवियर से डेविएशन होगा, रियल गैस बिहेवियर में आएगा, और रियल गैस बिहेवियर में आएगा तो देयर मे बी चांसेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट कर सकता है, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन इंट्रैक्शन एग्जिस्ट करने के कारण इट मे बी देयर मे बी चांसेस कि म्यू में क्या हो, वेरिएशन हो, इसलिए हम बहुत ज्यादा इजिली प्रिडिक्ट कर नहीं सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आपको कहना है, दैट वन शुड बी मॉडरेट प्रेशर चेंज, म्यू में किसी तरीके का वेरिएशन नहीं होगा मॉडरेट प्रेशर चेंज के अकॉर्डिंग, ठीक है। बट आपके क्वेश्चन में अगर न्यूमेरिकल पर्पस की बात करें, न्यूमेरिकल पर्पस की बात करें और आपके क्वेश्चन में आइडियल गैस कह दिया कि एज्यूम टू बी एन आइडियल गैस, आपको किसी तरीके का टेंशन नहीं लेने की जरूरत है, आपको किसी तरीके की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दैट वन इज अगर आइडियल गैस कह दिया, न्यूमेरिकल पर्पस से आइडियल गैस आपके क्वेश्चन में कह दिया, तो कितना भी प्रेशर चेंज करे डजंट मैटर, म्यू में किसी तरीके का चेंज करने वाला नहीं है। इसीलिए मैंने बोला कि थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट अलग होता है और कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट अलग होता है, फिजिकल कॉन्सेप्ट एक्चुअल फिजिकल कॉन्सेप्ट अलग होता है। न्यूमेरिकल पर्पस ये कि अगर आइडियल गैस दे दिया तो आपको किसी तरीके का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कितना भी प्रेशर चेंज हो जाए म्यू को क्या लेके चलना है, दैट शुड ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। लेकिन एक्चुअल फिजिकल कॉन्सेप्ट क्या होगा, मॉडरेट प्रेशर चेंज तक आपका म्यू चेंज करने वाला नहीं है, यानी कि जिस प्रेशर रेंज के लिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस लगाओगे आइडियल गैस बिहेवियर शो करेगा, उस प्रेशर रेंज तक म्यू में चेंज होने वाला, प्रेशर के अकॉर्डिंग चेंज होने वाला नहीं है। लेकिन उससे अधिक करोगे रियल गैस बिहेवियर आएगा, इट मे बी चांस कि देयर मे बी इन दोनों के एग्जिस्टेंस के कारण हो सकता है, ऑब्वियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा तो इट मे बी चांसेस देयर बी मे बी वेरिएशन इन द म्यू विद रिस्पेक्ट टू द प्रेशर। चलिए This is the complete analysis. म्यू की बात कर लेते हैं, सॉरी न्यू की बात कर लेते हैं। न्यू भी लिक्विड के लिए म्यू बाय रो, मैंने कहा म्यू में किसी तरीके का चेंज आएगा नहीं प्रेशर के अकॉर्डिंग, और रो में तो मैंने पहले ही कहा तो लिक्विड हाईली इनकम्प्रेसिबल इन नेचर, रो में चेंज आएगा नहीं, तो प्रेशर के अकॉर्डिंग न्यू भी अकॉर्डिंग टू प्रेशर
अकॉर्डिंग टू प्रेशर न्यू ऑफ द लिक्विड भी बीच किसी तरीके का चेंज आने वाला नहीं है लिक्विड, बट गैसेस, गैसेस की बात करें म्यू बाई रो, म्यू बाई रो मैंने कहा कि ठीक है फॉर द टाइम बीइंग, फॉर द टाइम बीइंग हम ये मान के चलेंगे कि म्यू में किसी तरीके का वेरिएशन नहीं होगा, हम ये मान के चल रहे हैं कि म्यू में किसी तरीके का वेरिएशन नहीं होगा, म्यू में किसी तरीके का वेरिएशन नहीं होगा, जब म्यू में किसी तरीके का वेरिएशन नहीं होगा बट डेंसिटी ऑफ द गैसेस आर, डेंसिटी ऑफ द गैसेस क्वाइट सेंसिटिव टुवर्ड्स द प्रेशर, डेंसिटी ऑफ द गैसेस क्वाइट सेंसिटिव टुवर्ड्स द प्रेशर, प्रेशर चेंज करोगे इसमें तो चेंज आएगा ही आएगा, और जब इसमें चेंज आएगा तो न्यू ऑफ द गैसेस में चेंज आएगा, और कैसे चेंज आएगा थोड़ा ध्यान दीजिए, प्रेशर इंक्रीज करोगे, मैंने कहा म्यू मान के चल रहा हूं अभी जो डिस्कशन किया इसके अकॉर्डिंग मान के चल रहा हूं कि म्यू में किसी तरीके का चेंज नहीं हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज करोगे डेंसिटी भी इंक्रीज करेगा, डेंसिटी इंक्रीज करेगा तो न्यू ऑफ द गैसेस क्या होगा, न्यू ऑफ द गैसेस डिक्रीज करेगा, और इसका जस्ट अपोजिट, इसका जस्ट अपोजिट, अगर प्रेशर डिक्रीज करोगे डेंसिटी डिक्रीज करेगा जिसके कारण न्यू ऑफ द गैसेस क्या होगा इंक्रीज करेगा, तो ये ध्यान रखिएगा जस्ट इसका अपोजिट भी सही है कि प्रेशर डिक्रीज डेंसिटी डिक्रीज और क्या होगा न्यू ऑफ द गैसेस इंक्रीज करेगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है, मैंने कहा कि न्यू में तो किसी तरीके का चेंज नहीं होगा वो देख लिया हमने, बट डेंसिटी ऑफ द गैसेस क्वाइट सेंसिटिव टुवर्ड्स द प्रेशर, क्वाइट सेंसिटिव टुवर्ड्स द प्रेशर, डेंसिटी में चेंज होगा और डेंसिटी में चेंज होगा तो न्यू ऑफ द गैसेस में चेंज होगा, लेकिन लिक्विड में प्रेशर के अकॉर्डिंग किसी तरीके का चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है। दिस इज द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ म्यू एंड न्यू विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एंड प्रेशर, दिस इज एग्जैक्टली कंप्लीट एनालिसिस, कंप्लीट एनालिसिस। अब हम जानेंगे ठीक है, एक छोटी सी चीज, छोटा सा और एक कॉन्सेप्ट जानना है, देन आफ्टर वी विल स्टार्ट द न्यूमेरिकल्स, देन आफ्टर वी विल स्टार्ट द न्यूमेरिकल्स, देन आफ्टर वी विल स्टार्ट द न्यूमेरिकल्स, एंड दैट वन इज कॉल्ड एज द न्यूटोनियन, द कॉन्सेप्ट ऑफ द न्यूटोनियन फ्लूड, द कॉन्सेप्ट ऑफ द न्यूटोनियन फ्लूड, द कॉन्सेप्ट ऑफ द न्यूटोनियन फ्लूड क्या होता है, it is the fluid which obeys newton's law of viscosity, iska matlab that is इसका मतलब ये है कि दैट इज द सियर स्ट्रेस, द सियर विस्कस सियरिंग स्ट्रेस, इट विल बी बेटर, विस्कस सियरिंग स्ट्रेस, विस्कस सियरिंग स्ट्रेस, विस्कस सियरिंग स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टूडेंट बिना सोचे समझे क्या क्या देते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट नहीं, यहीं पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इवन आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आया था और पहले में दिया था रेट ऑफ सियर स्ट्रेन दिया था और तीसरे में क्या दिया था वेलोसिटी ग्रेडियंट दिया था, तो मैंने क्या कहा, प्राइमरी आपका डी थीटा बाई डी टी होता है और डी थीटा बाई डी यू बाई डी थीटा बाई डी टी से डी यू बाई डी वाई आया है, तो इसीलिए मैंने कहा कि प्राइमरी डी यू बाई डी वाई को अगर इंटरलिंक करना है सीयर स्ट्रेस से तो प्राइमरी डी यू बाई डी वाई को हम रेट ऑफ सीयर स्ट्रेन ही कहेंगे, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो आपको ऑप्शन टिक आउट करना था पहला, और जनरली स्टूडेंट कंफ्यूज कर गए थे कि तो दोनों तो होता ही है, दोनों तो होता ही है, वेलोसिटी ग्रेडियंट भी होता है और रेट ऑफ सीयर स्ट्रेन भी होता है, नहीं, प्राइमरी सीयर स्ट्रेस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डी थीटा, और डी थीटा बाई डी टी के थ्रू क्या निकला है डी यू बाई डी वाई, दैट्स व्हाई अगर इसे इंटरलिंक, इन सबको इंटरलिंक करना है तो डी यू बाई डी यू वाई को भी हम
velocity gradient primary ना कहें कि हम क्या कहेंगे, that one is also called as the rate of shear strain. Secondary कहीं पे utilize करना होगा अपने convenience के लिए कहना होगा, that's not that, but क्यों concept के हिसाब से चलना होगा, that one is also called as the rate of shear strain. ठीक है, rate of shear strain या shear strain rate. ठीक है, secondary कहीं पे अपने convenience के लिए utilize करना होगा simply. So that one is called as the velocity gradient in the normal direction of the flow. Normal direction of the flow. ठीक है, normal direction of the flow. ध्यान दीजिए. तो मैंने कहा ये confusion अंदर मत रखिएगा. Clearly मैंने कहा the viscous shearing stress is directly proportional to shear strain rate या rate of shear strain, जो भी कहना हो, rate of shear strain या shear strain rate. ठीक है, it means what we can write down the d theta by dt, or you can say the du by dy, that one is called as a, जब इसे हटाओगे tau is equal to mu into du by dy, और इसके बारे में तो बहुत अच्छे तरीके से जानकारी ले चुके हैं. That one is exactly called as the Newton's law of viscosity. That one is called as the Newton's law of viscosity. थोड़ा इसे हम जानकारी लेंगे, ठीक है ना, जानकारी लेंगे क्या, ठीक है, जानकारी क्या लेंगे कि इसे मैंने for the time being y कहा, इसे for the time being मैंने x कहा, और इसे complete को for the time being मैंने x कहा, यानी कि y is equal to mx के term में इसे, यानी कि लीनियर वेरिएशन. एक्स एक्सिस को क्या लिया मैंने, du by dy और d theta by dt, यानी कि रेट ऑफ सीयर स्ट्रेन रेट, रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन. एंड y एक्सिस को क्या लिया मैंने, सीयर स्ट्रेस लिया. कैसा वेरिएशन, लीनियर वेरिएशन. ठीक है, कैसा वेरिएशन, लीनियर वेरिएशन के साथ साथ ये आपका स्लोप, एंड दैट स्लोप इज नथिंग बट द म्यू. द स्लोप इज नथिंग बट द म्यू. ठीक है, यही आपका लीनियर वेरिएशन. अब थोड़ा ध्यान देते जाइएगा. ठीक है, this one is the Newtonian fluid का curvature, आपका लाइन है ये. ठीक है, अब यहां पे ध्यान दीजिए कि जो Newtonian fluid है, Newtonian fluid कहीं पे भी लीजिए, स्लोप आपका क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है. यानी कि यहां पे एक नोट पॉइंट लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, नोट पॉइंट फॉर द न्यूटोनियन फ्लूड म्यू रिमेंस इंडिपेंडेंट ऑफ rate of angular deformation or shear strain ठीक है ना, rate of shear strain. or you can say for the Newtonian fluid mu is always constant for a particular temperature. क्योंकि मैंने देखा कि ठीक है, पर्टिकुलर म्यू में कॉन्स्टेंट रहेगा, लेकिन टेम्परेचर अगर चेंज करोगे आप अगर टेम्परेचर, तो अभी मैंने देखा कि म्यू लिक्विड का भी चेंज हो रहा है और गैसेस का भी क्या हो रहा है, म्यू चेंज हो रहा है. ठीक है, लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे न्यूटोनियन फ्लूड के लिए म्यू में किसी तरीके का चेंज नहीं आने वाला है, दैट रिमेन्स इंडिपेंडेंट. कितना भी रेट ऑफ डिफॉर्मेशन हो जाए,
म्यू में किसी तरीके का चेंज नहीं आएगा, लेकिन अब क्या करोगे, टेम्परेचर चेंज करोगे उस न्यूटोनियन फ्लूड में, तो आपका क्या होगा, म्यू में वेरिएशन होगा, म्यू में वेरिएशन होगा, म्यू में वेरिएशन होगा, ध्यान दीजिएगा, म्यू में वेरिएशन होगा टेम्परेचर अगर चेंज करोगे तो। अपने पूरे फ्लूड मैकेनिक्स में मेनली हमें न्यूटोनियन फ्लूड के बारे में पढ़ना है, मेनली हमें न्यूटोनियन फ्लूड के बारे में डिस्कशन करना है, जिसमें आपका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे म्यू क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे म्यू क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। और एक चीज और बता दूं कि पूरे फ्लूड मैकेनिक्स में अगर फर्स्ट चैप्टर को छोड़ दें तो फर्स्ट चैप्टर में थोड़ा बहुत टेम्परेचर वगैरह आएगा, जिसके कारण हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन मिले आपको टेम्परेचर वेरिएशन के ऊपर, ठीक है, ऑब्वियस प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूड है, टेम्परेचर वगैरह का वेरिएशन देखे हैं, तो एक दो क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा, बट बाकी पूरे फ्लूड मैकेनिक्स में कहीं पे भी टेम्परेचर चेंज के बारे में हमें नहीं पढ़ना है, कहीं पे भी टेम्परेचर वेरिएशन नहीं पढ़ना है, ठीक है ना, टेम्परेचर से रिलेटेड कुछ हमें पढ़ना ही नहीं हमें फ्लूड मैकेनिक्स में, इसलिए निश्चिंत रहें, ठीक है। टेम्परेचर के बारे में प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूड को छोड़ दें तो टेम्परेचर के बारे में अगर कहीं नहीं पढ़ना है, यानी कि न्यूटोनियन फ्लूड के बारे में पढ़ना है, तो म्यू हमेशा क्या रहेगा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, म्यू ऑलवेज रिमेंस कॉन्स्टेंट, ठीक है। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो एग्जाम्पल न्यूटोनियन फ्लूड का क्या हो सकता है, एग्जाम्पल ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल एयर होगा, एयर कम्स अंडर द न्यूटोनियन फ्लूड, वाटर होगा, वाटर कम्स अंडर द न्यूटोनियन फ्लूड, आपका मरकरी, मरकरी इज ऑल्सो कम्स अंडर द, यानी कि एच जी मरकरी ऑल्सो कम्स अंडर द न्यूटोनियन फ्लूड, आपका डीजल, डीजल पेट्रोल, पेट्रोल किरोसिन, किरोसिन सब के सब, किरोसिन ऑयल सब के सब कम्स अंडर द न्यूटोनियन फ्लूड, सब के सब कम्स अंडर द न्यूटोनियन फ्लूड, डोंट वरी, एयर वाटर मरकरी डीजल एटसेट्रा और भी जो होगा, ठीक है। हालांकि आपके प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूड में नॉन न्यूटोनियन फ्लूड भी पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूड में, सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूड में नॉन न्यूटोनियन फ्लूड भी पढ़ना है, और उसके लिए एक मॉडल जनरली देखते हैं, ओस्टवर्ड डी ऑयले मॉडल, ओस्टवर्ड डी ऑयले मॉडल, जो कि हम यहां पे नहीं देखेंगे, मिसलेनियस में देखेंगे। मैंने कहा सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूड में हमें नॉन न्यूटोनियन फ्लूड के बारे में भी देखना है, क्योंकि दैट वन इज द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूड, प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकता है वो देखेंगे फ्लूड के बारे में, और मैंने कहा कि उसके लिए एक मॉडल देखते हैं, ओस्टवर्ड डी ऑयले मॉडल, उसी के बेस पे हम बहुत सारे नॉन न्यूटोनियन फ्लूड को कैटेगराइज करते हैं कि कैसा वो नॉन न्यूटोनियन फ्लूड होगा। उस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन उस पे नहीं आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके गेट में भी आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके ईएससी में भी आते हैं उस नॉन न्यूटोनियन फ्लूड पे, ठीक है। सो डोंट वरी, वी विल सी इन द मिसलेनियस फॉर दैट नॉन न्यूटोनियन फ्लूड, उस नॉन न्यूटोनियन फ्लूड को देखेंगे, मिसलेनियस सिलेबस लिखवा रहा था मिसलेनियस, वहां पे पूरा का पूरा उसे डील करेंगे। मैंने कहा ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, अब आगे थोड़ा सा एक चीज देखते हैं। मैंने कहा कि अगर म्यू आपका कंप्लीटली क्या हो जाए, जीरो हो जाए, म्यू कंप्लीटली जीरो हो जाए, दैट म्यू रिमेन्स ऑलवेज जीरो, दैट म्यू रिमेन्स ऑलवेज जीरो, दैट म्यू रिमेन्स ऑलवेज जीरो, वट एवर द म्यू ऑलवेज रिमेन्स जीरो, वट एवर द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, द सीयर स्ट्रेस ऑल्सो रिमेन्स जीरो, द सीयर स्ट्रेस ऑल्सो रिमेन्स जीरो, म्यू क्या हो जाए आपका, म्यू आपका जीरो हो जाए, म्यू जीरो होने का मतलब क्या, आइडियल फ्लूड, उसमें किसी तरीके का विस्कोसिटी है ही नहीं, किसी तरीके का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, किसी तरीके का कुछ एग्जिस्टेंस है ही नहीं, ठीक है ना, किसी तरीके का इंटरैक्टिव इंटरैक्शन वगैरह मॉलिक्यूल्स के बीच कुछ एग्जिस्टेंस है नहीं, ये मान के चलेंगे तो उस फ्लूड के लिए क्या कहते हैं, उस फ्लूड के लिए हम कहते हैं दैट वन इज कॉल्ड द, हालांकि कोई ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में, इवन गैसेस में भी, मैंने बताया गैसेस में भी आपका नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बट मॉलिक्यूलर हेजिटेशन के कारण क्या होता है, वहां पे भी आपका क्या होता है, म्यू आपका एग्जिस्ट करता है। तो मैंने कहा मैंने कहा कि अगर म्यू जीरो हो जाए, यानी कि किसी तरीके का इंट्रैक्टिव फोर्स नहीं है, किसी तरीके का वहां पे विस्कोसिटी नहीं है, किसी तरीके का वहां पे विस्कस इफेक्ट नहीं आएगा, किसी तरीके का वहां पे इंटरनल रेसिस्टेंस नहीं आएगा,
फ्रिक्शनल इफेक्ट नहीं आने वाला, विस्कस इफेक्ट नहीं आने वाला है, चाहे कुछ भी रेट ऑफ डिफॉर्मेशन हो जाए, द सीयर स्ट्रेस स्टिल, अरे सीयर स्ट्रेस कब जीरो रहेगा? ऑब्वियस, जब किसी तरीके का रेसिस्टेंस इफेक्ट, इंटरनल रेसिस्टेंस नहीं है, तो ऑब्वियस सीयर स्ट्रेस क्या रहने वाला है? जीरो रहने वाला है. एंड दैट फ्लूइड इज एक्चुअली कॉल्ड एज द आइडियल फ्लूइड. आइडियल फ्लूइड द म्यू इज इक्वल टू जीरो. Whatever the rate of deformation, the shear stress always remains. The shear stress always remains zero. Internal resistance किसी तरीके का नहीं होगा, viscosity नहीं होगा, तो ना viscous effect होगा, ना frictional effect होगा, ना ही किसी तरीके का आपका layers के बीच किसी तरीके का resistance नहीं होगा, ना ही यानी कि किसी तरीके का interactive force नहीं. Mu zero. मैंने कहा हालांकि प्रैक्टिकल लाइफ में इस तरीके का फ्लूड एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि मैंने कहा कि इवन फॉर द गैसेस अगर नेग्लिजिबल इंट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, तो वहां पे भी, बट वहां पे भी मॉलिक्यूलर एजिटेशन के लिए आपका क्या होता है? देयर विल बी व्हाट, सम म्यू एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ मॉलिक्यूलर एजिटेशन. इसकी बात करें इसकी बात करें चाहे कुछ भी सीयर स्ट्रेस क्यों ना कर दो, देयर विल बी नो एनी डिफॉर्मेशन. कुछ भी सीयर स्ट्रेस क्यों ना कर दो, देयर विल बी नो एनी डिफॉर्मेशन. That one comes under the ideal solid. अब ideal solid का क्या है? कि कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी force लगा लीजिए, उसमें किसी तरीके का deformation. Sometimes that ideal solid also referred as the rigid body. जो आप लोग classical mechanics पढ़ते हो, आप क्या पढ़ते हो? Actual mechanics of that rigid body. दो तरीके का mechanics. Mechanics तो actually तीन तरीके का. Mechanics of rigid body and the second one is the mechanics of deformable body. The mechanics of rigid body आप classical mechanics में पढ़ते हो, जिसमें kinematics, kinetics और ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है, dynamics वगैरह आती हैं, और एक तो आप पढ़ ही रहे हो fluid mechanics, mechanics of fluid actually, ठीक है. Fluid is also deformable body, जो कि permanent deform करेगा, चाहे कितना भी छोटा shear stress हो, और deform करने के साथ साथ आपका क्या होगा? Continuous deformation करेगा, और इसी continuous deformation को ability to flow कहते हैं, ठीक है. Ideal solid sometimes it is referred as a rigid body, ठीक है. Ideal solid and that one sometimes it is referred as a rigid body. Sometimes it is referred as a rigid body. अब बात आई एक last point के, उसके बाद हम इस लेक्चर को ओवर करेंगे. We will see the numericals in the next lectures. ठीक है, last point. मैंने कहा था कि the fluid having no ability to resist the shear stress. मैंने कहा था कि ये आधा अधूरा स्टेटमेंट है. ये क्या है आपका? आधा अधूरा स्टेटमेंट है, ये पूरा स्टेटमेंट नहीं है. इसीलिए मैंने शुरू में जब भी मैंने बोला था, एक ही चीज बोला था, the fluid having in fluid there will be permanent as well as continuous deformation no matter how much shear stress is small. ठीक है, कितना भी shear stress छोटा है आपका, क्या होगा? There will be permanent as well as continuous deformation होगा. ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दीजिए, हम अपने स्टेटमेंट को पूरा यहां पे करेंगे. आई एम गोइंग टू, ठीक है, कंप्लीट आवर स्टेटमेंट कि आखिर फ्लूड हैविंग नो एबिलिटी टू रेसिस्ट द सीयर स्ट्रेस आधा अधूरा ये क्यों स्टेटमेंट है. थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट की बात करें ठीक है, इस पॉइंट की बात करें थोड़ा. यहां पे क्या है आपका? किसी तरीके का डिफॉर्मेशन नहीं है. डिफॉर्मेशन का मतलब du by dy जीरो. ध्यान दीजिएगा,
ध्यान से सुनिएगा, इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें, जनरली लोग मिस करते हैं और बस एक ही चीज जानते हैं, द फ्लूड हैविंग नो एबिलिटी टू रेसिस्ट द सीयर स्ट्रेस, बट इतना ही जानते हैं। मैंने कहा एट दिस पॉइंट डी यू बाई डी वाई इज इक्वल टू जीरो, एट दिस पॉइंट यानी कि ओरिजिन पे द सीयर स्ट्रेस ऑल्सो एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए सीयर स्ट्रेस इज ऑल्सो जीरो। डी यू बाई डी वाई जीरो होने का मतलब क्या, डी यू बाई डी वाई जीरो होने का मतलब फ्लूड इज इन स्टैटिक कंडीशन, फ्लूड इज इन स्टैटिक, स्टैटिक फ्लूड इज इन स्टैटिक कंडीशन, फ्लूड इज इन स्टैटिक कंडीशन। या फिर क्या हो सकते हैं, सारे लेयर्स, सारे लेयर्स, सारे लेयर्स साइमल्टेनियसली सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हो, तो इसके बारे में तो अभी नहीं जानकारी लेंगे, ठीक है ना, इसके बारे में आगे जानकारी लेंगे। छोटा सा एक कॉन्सेप्ट याद होगा, फ्री स्ट्रीम डील किया था मैंने नो स्लिप कंडीशन में, तो इस तरीके के फ्लो को फ्री स्ट्रीम कहते हैं। विल डिस्कस लेटर, विल डिस्कस लेटर, डोंट वरी, वी विल डिस्कस लेटर, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन एक और कंडीशन होता है फ्लूड इज इन स्टैटिक, फ्लूड इज इन स्टैटिक कंडीशन, फ्लूड इज इन स्टैटिक कंडीशन, फ्लूड इज इन स्टैटिक कंडीशन, यानी कि जब आपका फ्लूड स्टैटिक कंडीशन में है, फ्लूड आपका स्टैटिक कंडीशन में है, फ्लूड आपका स्टैटिक कंडीशन में है, ठीक है ना, द डी यू बाई डी वाई इज इक्वल टू जीरो, और इस टाइम पे आपने अगर एक सीयर फोर्स लगाया, इस टाइम पे आपने एक सीयर फोर्स या सीयर स्ट्रेस, जो भी कितना भी स्मॉल सीयर स्ट्रेस लगाया, फोर्स कह लो, इट विल बी बेटर, एक सीयर फोर्स लगाया, कितना भी स्मॉल फोर्स लगाया आपने, ध्यान से सुनिएगा, एट दैट इंस्टेंट, एट द इंस्टेंट ऑफ द स्टैटिक, एट द इंस्टेंट, एट द इंस्टेंट, एट द इंस्टेंट व्हेन फ्लूड, व्हेन द फ्लूड, व्हेन फ्लूड इज इन रेस्ट, व्हेन फ्लूड इज इन रेस्ट और इन स्टैटिक कंडीशन, इन स्टैटिक कंडीशन और इन स्टैटिक कंडीशन। थोड़ा ध्यान से देखिए, मैंने कहा कि अगर एट दैट इंस्टेंट डी यू बाई डी वाई जीरो, अगर डिफॉर्मेशन जीरो होगा, तो किसी तरीके का सीयर स्ट्रेस का डेवलपमेंट, यानी कि उस समय किसी तरीके का इंटरनल रेसिस्टेंस क्रिएट नहीं होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैंने कहा कि एट दैट इंस्टेंट, इस इंस्टेंट पे डी यू बाई डी वाई जीरो होगा, यानी कि अगर फ्लूड स्टैटिक कंडीशन में है, तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट में किसी तरीके का डिफॉर्मेशन नहीं होगा, और डिफॉर्मेशन नहीं होगा तो किसी तरीके का आपका सीयर स्ट्रेस, किसी तरीके का इंटरनल रेसिस्टेंस जनरेट नहीं होगा, इंटरनल रेसिस्टेंस जनरेट नहीं होगा, यानी कि अगर कितना भी छोटा फोर्स लगाएं, कितना भी छोटा सीयर फोर्स लगाएं, क्या होना शुरू हो जाएगा, स्टैटिक कंडीशन में है, स्टैटिक कंडीशन में इसके पास किसी तरीके की एबिलिटी नहीं है, स्टैटिक कंडीशन में डिफॉर्मेशन जीरो, डिफॉर्मेशन जीरो, इसके पास किसी तरीके की एबिलिटी नहीं है सीयर स्ट्रेस को, सीयर फोर्स को रेसिस्ट करने की, इसके पास किसी तरीके की एबिलिटी नहीं है। कितना भी छोटा फोर्स आपने लगाया, और छोटा फोर्स लगाया, आपने देखा कि क्या हुआ, देयर विल बी डिफॉर्मेशन। ये बात अलग है कि छोटा फोर्स लगाया, ठीक है, डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो गया, कितना भी छोटा फोर्स लगाया डिफॉर्मेशन स्टार्ट होगा, हो गया, दैट्स अनदर मैटर कि अगर फोर्स छोटा है तो जब डिफॉर्मेशन स्टार्ट होगा तो डी यू बाई डी वाई का वैल्यू बहुत छोटा मिलेगा, और कितना भी छोटा क्यों ना मिले, जैसे ही आगे बढ़े डी यू बाई डी वाई का वैल्यू मिला, 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 क्या होगा आपका, कितना भी छोटा फोर्स लगाओ और डी यू बाई डी वाई कितना भी छोटा मिलेगा, एक सीयर स्ट्रेस क्या हो जाएगा, एक सीयर स्ट्रेस जनरेट हो जाएगा, एक सीयर स्ट्रेस जनरेट हो जाएगा। क्लियर है, फिर से लास्ट टाइम समझा रहा हूं, फिर से सुन लीजिए, मैंने कहा इस इंस्टेंट में है, जब फ्लूड इज इन स्टैटिक कंडीशन, एट द इंस्टेंट में फ्लूड इज इन रेस्ट और स्टैटिक कंडीशन, उस समय क्या होगा, डिफॉर्मेशन जीरो है, तो इसके पास एबिलिटी भी क्या है, सीयर स्ट्रेस, सीयर स्ट्रेस, सीयर स्ट्रेस, सीयर स्ट्रेस को रेसिस्ट करने की एबिलिटी भी क्या है, जीरो है, सीयर स्ट्रेस का किसी तरीके का डेवलपमेंट नहीं है, किसी तरीके का वैल्यू नहीं है, जो किसी तरीके का वैल्यू नहीं है, इसका साफ मतलब है उस
उस इंस्टेंट में इस फ्लूड के पास किसी तरीके की एबिलिटी नहीं है रेसिस्ट करने की, किसी तरीके का इंटरनल रेसिस्टेंस शो नहीं करेगा जब स्टैटिक कंडीशन में है। इसीलिए एट दैट इंस्टेंट कितना भी छोटा आपने फोर्स लगाया क्या हो गया, आपका डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है और कॉन्टिन्यूअस डिफॉर्मेशन होता है। ये बात अलग है कि फोर्स अगर छोटा है तो डिफॉर्मेशन बहुत छोटा होगा, और अगर जैसे ही डिफॉर्मेशन शुरू हुआ आप देख सकते हैं कितना भी छोटा डिफॉर्मेशन ऑफ फोर्स के अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाएगा रेसिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा, इंटरनल रेसिस्टेंस शुरू हो जाएगा। यानी कि इसीलिए छोटा फोर्स लगाते हो तो छोटा डी बाई डी वाई मिलता है, डिफॉर्म तो हो गया क्योंकि स्टैटिक कंडीशन में किसी तरीके की एबिलिटी नहीं है इन रेसिस्ट करने की, इसके पास स्टैटिक कंडीशन में इंटरनल रेसिस्टेंस नहीं है, डिफॉर्म तो हो गया लेकिन जैसे ही डिफॉर्म हो गया इसके पास एबिलिटी आ गया क्या इंटरनल रेसिस्टेंस की, जैसे ही डिफॉर्म हुआ इसके पास एबिलिटी टू रेसिस्ट द सीयर स्ट्रेस आ गया, यानी कि जैसे ही रिलेटिव मोशन में आया, जैसे ही फ्लूड लेयर्स आपस में रिलेटिव मोशन में आए इसके पास क्या आ गया एबिलिटी टू रेसिस्ट द सीयर स्ट्रेस आ गया, और जब इंटरनल रेसिस्टेंस आ गया तो अगर फोर्स जो छोटा है तो आपका डिफॉर्मेशन भी क्या मिलेगा छोटा मिलेगा, क्योंकि जैसे ही डिफॉर्म इनिशियली नहीं था डिफॉर्म तो कर गया लेकिन जैसे ही डिफॉर्म हुआ सीयर स्ट्रेस इंटरनल रेसिस्टेंस अपीयर हो गया, जैसे ही फ्लूड में रिलेटिव मोशन क्रिएट आया इंटरनल रेसिस्टेंस अपीयर हो गया, और इंटरनल रेसिस्टेंस अपीयर होने के कारण डीयू बाई डी वाई रेट ऑफ डिफॉर्मेशन का वैल्यू क्या हो जाता है छोटा हो जाता है। इसका मतलब व्हाट इज दैट मीनिंग, इसका मतलब यही है कि द फ्लूड हैविंग नो एबिलिटी टू रेसिस्ट द सीयर स्ट्रेस इन द स्टैटिक कंडीशन बट इट हैविंग एबिलिटी टू रेसिस्ट द सीयर स्ट्रेस इन द डायनेमिक कंडीशन, और यू कैन से व्हेन द फ्लूड लेयर्स आर इन रिलेटिव मोशन, जब तक रिलेटिव मोशन नहीं आएगा तब तक फ्लूड के पास किसी तरीके का इंटरनल रेसिस्टेंस नहीं रहेगा, तब तक इसके पास एबिलिटी नहीं रहेगा सीयर स्ट्रेस को रेसिस्ट करने की। इसीलिए छोटा सा फोर्स लगाते हो डिफॉर्म तो कर जाता है लेकिन जैसे ही डिफॉर्म हुआ यानी कि लेयर्स के बीच इंटरनल रेसिस्टेंस आया, लेयर्स के बीच रिलेटिव मोशन आया, और जैसे इंटरनल रेसिस्टेंस अपीयर्ड हो गया क्या करेगा डिफॉर्मेशन को अपोज करेगा। इसीलिए छोटे फोर्स के लिए डीयू बाई डी वाई का वैल्यू क्या होता है आपका छोटा हो जाता है, स्मॉल हो जाता है। इसका मतलब पूरा स्टेटमेंट क्या, द फ्लूड हैविंग नो एबिलिटी टू रेसिस्ट द सीयर स्ट्रेस बट इन स्टैटिक कंडीशन, but it having ability to resist the shear stress in the dynamic condition, or you can say when the fluid layers are in relative motion, जब तक fluid layers के बीच में relative motion नहीं होगा तब तक ये internal resistance आने वाला नहीं है, तब तक इसके पास किसी तरीके का सीयर स्ट्रेस अपीयर होने वाला नहीं है, तब तक इसके पास एबिलिटी टू रेसिस्ट द सीयर स्ट्रेस आने वाला नहीं है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। जबकि सॉलिड के पास क्या होता है, जबकि सॉलिड के पास स्टैटिक कंडीशन में भी एबिलिटी टू रेसिस्ट द सीयर स्ट्रेस होता है, स्टैटिक कंडीशन में अप टू द इलास्टिक लिमिट, इट हैविंग एबिलिटी टू रेसिस्ट द सीयर स्ट्रेस अप टू द इलास्टिक लिमिट, क्या होता है इसके पास आपका The solid having ability to resist the shear stress even in the static condition. आपका एक static condition में भी इसके पास एक shear stress resist करने की ability होती है, और deform किया तब तो obvious shear stress directly proportional to theta हो ही जाता है, ठीक है, appear तो होता ही होता है। external solid में external force को वो क्या करता है, solid में
स्टैटिक कंडीशन में भी एक्सटर्नल फोर्स को रेसिस्ट करता है, स्टैटिक कंडीशन में भी। तो इसीलिए कहा जाता है सॉलिड हैविंग एबिलिटी टू रेसिस्ट द शियर स्ट्रेस अप टू द इलास्टिक लिमिट। और उसके बाद अगर क्या होगा, डिफॉर्म होगा, तो जैसे जैसे शियर स्ट्रेस बढ़ाओगे वैसे वैसे आपका थीटा भी आपका क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। इसीलिए यहाँ पे कहा जाता है कि स्टैटिक कंडीशन में भी सॉलिड क्या है, सॉलिड के पास एबिलिटी टू रेसिस्ट द शियर स्ट्रेस, लेकिन फ्लूइड के पास ऐसा नहीं है। फ्लूइड के पास इंटरनल रेसिस्टेंस या शियर स्ट्रेस तभी आएगा जब फ्लूइड रिलेटिव मोशन में होंगे, स्टैटिक कंडीशन में है तो इसके पास किसी तरीके की एबिलिटी टू रेसिस्ट द शियर स्ट्रेस नहीं होगा। यानी कि सिंपल कॉन्सेप्ट, द फ्लूइड हैविंग नो एबिलिटी टू रेसिस्ट द शियर स्ट्रेस इन द स्टैटिक कंडीशन, बट इट हैविंग द एबिलिटी टू रेसिस्ट द शियर स्ट्रेस इन द डायनामिक कंडीशन। डायनामिक कंडीशन का मतलब व्हेन द फ्लूइड लेयर्स आर इन रिलेटिव मोशन। दिस इज द एंड ऑफ योर प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, जिससे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आते हैं, होने को तो अभी भी है, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, सरफेस टेंशन एंड कैपिलरिटी, और एक आपका कॉन्सेप्ट ऑफ द वेपर प्रेशर। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में तो बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट ऑफ द वेपर प्रेशर नहीं देखना है, इसे बर्नौली इक्वेशन में कॉन्सेप्ट, बर्नौली इक्वेशन के जब क्वेश्चन करेंगे वहां पे कॉन्सेप्ट ऑफ द वेपर प्रेशर देख लेंगे, ठीक है। तो ये चीजें हैं, दिस इज कम्स अंडर द, बट अपने न्यूमेरिकल जैसा फ्रीक्वेंट क्वेश्चन आता है वो हमारा खत्म हुआ। फ्रॉम टुमारो, फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट न्यूमेरिकल्स। थैंक यू, आज के लिए यहीं पे खत्म करते हैं, और आज के लिए बस यहीं पे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू। We'll be right back.